80 सीसीडी। सर न्यू पेंशन स्कीम कह सकते हैं आप इसको, आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन के कारण इसका डिडक्शन मिलता है वो कह सकते हैं, या फिर आप इसमें अटल पेंशन योजना का कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। आते हैं एक एक करके। सर हमने एक पेंशन फंड पढ़ा था कि आप म्यूचुअल फंड और यूटीआई के पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो आप एटीसी का बेनिफिट ले लीजिए। पर ध्यान रहे ये पेंशन फंड एक आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें कोई एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। सर एटीसी के अंदर एम्प्लॉयर वाली बात कहां पढ़ी हमने? आरपीएफ, एसपीएफ और एएसएफ में। वहां पढ़ी आपने कि एम्प्लॉयर ने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन किया, हालांकि उसका भी डिडक्शन नहीं मिल रहा था। एटीसी में कोई बेनिफिट है ही नहीं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की, एक। दूसरा, इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता भी नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप खुद मार्केट में गए किसी म्यूचुअल फंड के पास और पेंशन फंड ले लिया। ऐसे ही आप एसईसी टैक्स पेयर खुद मार्केट में गए किसी इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन फंड ले लिया, आपको यहां पर 80CCC का बेनिफिट मिल रहा था। यहां पर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात नहीं होती। अब ये तीसरा पेंशन फंड है और इंपॉर्टेंट है। सर तीनों पेंशन फंड है, फर्क समझना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड का हो तो एटीसी में चले जाओ, इंश्योरेंस कंपनी का हो तो 80CCC में आ जाओ, और अगर पेंशन फंड किसका हो, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड के नाम से हो, या फिर नाम हो नोटिफाइड पेंशन फंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे बोला हो एग्जाम में कि आपने अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूट किया है, और या फिर न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, जो भी एग्जाम में मिले इसमें से वर्ड, आप कहां आ जाना पेंशन फंड में। अच्छा नाम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड। तो ऐसा लगता है कि यह पेंशन फंड किसके लिए बना हो? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई के लिए। एक्चुअली में उन्हीं के लिए बना था जब 2004 में आया था यह फंड। न्यू वर्ड तो है लेकिन इतना भी नया नहीं है। सर ये न्यू पेंशन स्कीम जो आई थी 2004 में आई थी, उस समय के लिए ये न्यू पेंशन स्कीम थी, और उस समय सिर्फ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई के लिए आई थी। धीरे धीरे ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई के पास भी ऑप्शन आ गया इस फंड में जाने का, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो भी आप इस फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सर मैं नौकरी नहीं करता हूं, अब बोलो ना सर, तब भी आप इस फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वैरायटी है। सर इस पेंशन फंड में अगर आपका कंट्रीब्यूशन एज ए एम्प्लॉई जाता है, आप एम्प्लॉई हैं, तो आपका और एज वेल एज आपके एम्प्लॉयर का दोनों का कंट्रीब्यूशन जाएगा, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉई का भी, ठीक है। और सर अगर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जाता है तो उसके लिए 80CCD1 है, और अगर फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है तो उसके लिए 80CCD2 है। उसके अलावा मोदी गवर्नमेंट जब आई, बात हुई कि 80C, CCCD सबको मिला के 1,50,000 पे रोक दिया जाता है, तो इस लिमिट को बढ़ाओ, तो मोदी गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम 80CCD1B और देते हैं एक्स्ट्रा 50,000 रुपए का बेनिफिट इसी सेक्शन के अंदर, लिमिट नहीं बढ़ाएंगे, 80C की लिमिट नहीं बढ़ाएंगे, 80CCC और 80CCD तीनों मिला के जो CCE की लिमिट है 1,50,000 की वो भी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन एक अलग से 50,000 का बेनिफिट देंगे, आओ तुम इस फंड में कंट्रीब्यूट करो। तो सर ये जो न्यू पेंशन स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड है, इसमें आप नौकरी नहीं करते तब भी आ जाइए, आप नौकरी करते हैं चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, या प्राइवेट एम्प्लॉई हो, आप टाटा अंबानी के यहां काम करते हो, सर आप आराम से इसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अकाउंट आपके एम्प्लॉयर के थ्रू खुलेगा, जिसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन जाएगा और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी जाएगा। इस सेक्शन के अंदर तीन तरीके के बेनिफिट हैं, एक वन में जाएगा, एक बेनिफिट आपको टू में मिलेगा, एक बेनिफिट आपको 1B में मिलेगा, ठीक। अब सर वन में किसका बेनिफिट मिलता है? जब आप खुद अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, एसएससी टैक्स पेयर अगर वो एम्प्लॉई है तो, और नहीं है तो, सर मैं एम्प्लॉई नहीं हूं मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो वन में डिडक्शन मिलेगा। कोई एम्प्लॉई है और उसके एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जा रहा है तो उसका भी बेनिफिट वन में मिलेगा, वन में, यानी एसएससी अपना जो कंट्रीब्यूशन करता है उसके लिए वन में बेनिफिट मिलता है।
जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है उसके लिए टू में बेनिफिट मिलता है, और वापस से एक्स्ट्रा बेनिफिट एसईसी को दिया गया है 50,000 रुपए का, किसमें? 1B में। जब लोग बोल रहे थे लिमिट बढ़ाओ लिमिट बढ़ाओ लिमिट बढ़ाओ, देखो हम लोग पढ़ते हैं ना 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता है, सीनियर सिटीजन है तो 3,00,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता है, और अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन है तो 5,00,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है। लोग वहां गवर्नमेंट पे प्रेशर दे रहे थे लिमिट बढ़ाओ लिमिट बढ़ाओ लिमिट बढ़ाओ, तो गवर्नमेंट ने क्या डाल दिया? सेक्शन 115BAC डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, क्लास में पढ़ते हैं, जहां पर रिबेट के बेनिफिट के साथ आप 7,00,000 रुपए तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट नॉर्मल स्कीम में लिमिट को नहीं बढ़ा रही है, 2,50,000 की लिमिट 2,50,000 पे ही है, वहां जो रिबेट मिलता था 12,500 वो वही है। गवर्नमेंट बोलती है बेनिफिट लेना है, आ जाओ 115BAC में ले लो बेनिफिट, ठीक है। ऐसे यहां गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था, ATC की लिमिट बढ़ा दो, 1,50,000 की लिमिट बहुत कम है, ATCCE की जो लिमिट है 1,50,000 की, जो बोलता है 3 सेक्शन मिला के आप 1,50,000 ले सकते हो उससे ज्यादा नहीं, ATC प्लस CCC प्लस CCD मिला के आप 1,50,000 ले सकते हो उससे ज्यादा नहीं। तो 2014 के बाद जो मोदी गवर्नमेंट बनी उसने बोला कि तुम इस फंड में एक और अकाउंट खुलवा लो 1B वाला, और वहां 50,000 का बेनिफिट ले लो, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा सबसे अलग। तो इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल डिडक्शन है 50,000 का। सर ATCCD 1B को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशनल डिडक्शन। अच्छा हम यहां टीयर 1 की बात कर रहे हैं, हम यहां टीयर 1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि टीयर 2 का कॉन्ट्रीब्यूशन ATC में जाता है और वहां सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिलता है। सर अगर आप ATC में जाते हैं तो वहां पर टीयर 2 मेंशन है और वहां पर जो बेनिफिट है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए है। न्यू पेंशन स्कीम में टीयर 1 टीयर 2, टीयर 1 यहां आ जाओ और टीयर 2 अकाउंट खुलवाओगे तो ATC में जाओ, ATC में ओनली बेनिफिट किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए। बट यहां तुम नौकरी नहीं करते हो तब भी बेनिफिट ले लो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो ले लो बेनिफिट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो ले लो बेनिफिट। फंड का नाम भले सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड है, बेनिफिट सबको मिलेगा चाहे तुम नौकरी करो ना करो, प्राइवेट करो सरकारी करो, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं सर, एक एग्जांपल में आते हैं, एक एग्जांपल में आते हैं। क्या सर? ये नया एक फ्रेश अब डिस्कशन है कि हम एक कैटेगरी में आ गए हैं, 3 कैटेगरी डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये एक कैटेगरी है, आप इंडिविजुअल हैं, अच्छा ध्यान रखिए यहां बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट। HUF के लिए यहां पर कोई बेनिफिट नहीं है, HUF के लिए एक जगह बेनिफिट है, किसमें? ATC में। यहां आप इंडिविजुअल भी हो सकते हैं HUF भी हो सकते हैं, ATCCC में ओनली फॉर इंडिविजुअल। बेस्ट पार्ट क्या है? ATC हो या ATCCC हो या फिर ATCCD हो, इसमें रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट किसी को भी बेनिफिट मिल सकता है। आप नॉन रेसिडेंट है तो भी बेनिफिट मिलेगा, आप रेसिडेंट है तो भी बेनिफिट मिलेगा। सी में इंडिविजुअल HUF दोनों को मिलेगा, CCCD में ओनली फॉर इंडिविजुअल है। तो अपना एग्जांपल मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल है बट वो एम्प्लॉई नहीं है, तो एक कैटेगरी करेंगे जब आप एम्प्लॉई नहीं है, फिर आगे एक कैटेगरी करेंगे जब आप एम्प्लॉई है लेकिन प्राइवेट वाले हैं, फिर एक और कैटेगरी करेंगे कि आप एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। टोटल हम लोग 3 एग्जांपल करेंगे ATCCD में, तब जाके ये ATCCD कंप्लीट होगा। उसके बाद टाइम बचा तो हम लोग ATD, DD, ATU, ATDD भी करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग अगले 3 एग्जांपल तक इसी सेक्शन के अंदर हैं। सर आप एम्प्लॉई नहीं है और आपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है कहां? सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड, न्यू पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। कहां सर? टीयर 2 अकाउंट में, टीयर 2 अकाउंट में ATC में जाओ और वहां तुमको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वहां बेनिफिट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए है, ठीक। अब सर टीयर 1 में है तो टीयर 1 में तुम ATCCD में तुमको बेनिफिट मिलेगा और बेनिफिट एक नहीं दो दो मिलेगा। तुम एम्प्लॉई नहीं हो ना, तुम नौकरी नहीं कर रहे तो एक बेनिफिट तुमको सीसीडी 1 का मिलेगा, नौकरी करते हैं नहीं करते हैं 1 तो मिलेगा, और उसके अलावा एक जो आपका एडिशनल बेनिफिट है 1B 50,000 वो और मिलेगा, ठीक।
टू में नहीं जा रहे हैं, क्यों? यहां कोई एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है ही नहीं सर, सेल्फ एम्प्लॉयड है आप। क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड, आप खुद से कोई इनकम अर्न कर रहे हैं, से बिजनेस इनकम, से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको इनकम आ रही है, से हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम आ रही है, ठीक। तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर्ड करना चाह रहे हैं, मतलब आज कमा रहे हैं पैसा डालिए, फ्यूचर में आपको यहां से पेंशन मिलेगा, जैसे 80CCC में बात हो रही थी, मोटा मोटी वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सिक्योर्ड है और इसमें मैच्योरिटी में डेथ पर जो पैसा मिलता है वो एग्जम्प्ट है, और डेथ नहीं भी होती है तो 60% पैसा एग्जम्प्ट है, उसकी बात थोड़ी देर में कर लेंगे। सर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड न्यू पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूशन किया, टीयर टू कोई बेनिफिट नहीं है, टीयर वन अकाउंट। सर एग्जाम में टीयर वन टीयर टू नहीं दे रखा था, तो आप 80CCD में आ जाइएगा, ठीक है। एग्जाम में टीयर वन और टीयर टू क्लैरिटी नहीं है, नो क्लैरिटी, तो आप प्लीज 80CCD के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। सर 80C होगा तो क्वेश्चन लिख के देगा टीयर टू, टीयर टू मेंशन हो तो 80C में जाना, टीयर टू मेंशन हो तो 80C में जाना। बोला सर एग्जाम में क्वेश्चन आया, खाली लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड, तो CCD के अकॉर्डिंग आंसर दो, और CCD में अब तुम्हारे को दो दो बेनिफिट है। नौकरी नहीं कर रहे हो? नहीं सर। तो वन में कॉन्ट्रीब्यूशन का बेनिफिट मिलेगा, कितना सर? लोअर ऑफ द टू, जो तुम अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किए हो और तुम्हारा जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसका 20%। नॉर्मली अगर आप नौकरी करते हैं तो यहां पर लिखा होता है सैलरी का 10%। आप नौकरी करेंगे तो दो दो बेनिफिट मिलता है, CCD 1 का और CCD 2 का, और जनरली वहां लिमिट है 10% की। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा नौकरी नहीं कर रहे हो तो सैलरी बेस न लेके GTI ले लो, और वहां 10-10 दो बार मिलता है, यहां 20 ले लो, ठीक है। अगर आप नौकरी नहीं करते हैं कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए, आप अपनी GTI का 20% और अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड विच एवर इज लोअर का बेनिफिट ले लीजिए। सर ले लिया, CCD 1 आ गया, और तुम CCD 1B में एडिशनल डिडक्शन ले लीजिए, कितने का? 50,000 रुपए का। सर 50,000 का एडिशनल बेनिफिट यहां ले लीजिए, मतलब ऊपर से आप 50,000 माइनस कर दीजिए। बोला सर ऊपर से आप 50,000 क्यों माइनस कर रहे हैं? तो जितना भी तुमने अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसमें से 50,000 क्यों माइनस किए? क्योंकि वो 50,000 80CCD 1B में आ गया। तो आप क्या कीजिएगा, आप 50,000 रुपए को इधर ले आइए, तो ऊपर आप 50,000 अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को कम कर दीजिए। एग्जाम में सेक्शन नहीं लिखा हुआ आता है, सब सेक्शन एग्जाम में नहीं लिखा था कि वन में कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया और वन बी में कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया। एग्जाम में लिखा रहता है कि तुमने 80CCD वाले फंड में कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, वन और वन बी देते तो बात ही क्या, सब सेक्शन का रेफरेंस एग्जाम में नहीं रहता। तो आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को दो हिस्सों में बांटोगे, आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को एक इधर हिस्से में बांटोगे और एक इधर हिस्सों में बांटोगे। इधर 50,000 तक लाना, बैलेंस ऊपर में जाके 20% ऑफ GTI से कंपेयर करके लोअर ले लेना। अभी फॉर्मेट सिखाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप 50,000 वन वाई बी में क्यों लेके जा रहे हैं? आप 50,000, तुम्हारा सवाल होगा ना कि सर आप 50,000 वन बी में क्यों लेके जा रहे हैं? वन पहले और जो बचेगा वन बी में ले जाएंगे। सर पहले वन में ले जाते हैं, वहां जितने रुपए का बेनिफिट नहीं मिलेगा हम वन बी में ले आएंगे, ऐसा कर लेते हैं। नहीं, अब उसका लॉजिक यहां से आ रहा है, उसका लॉजिक यहां से आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिक क्या है सर? इसका लॉजिक है कि अगर देखो लॉजिक क्या है, 80CCE करके एक सेक्शन है, ठीक इसके बाद 80C 80CCC 80CCD, उसके ठीक बाद एक सेक्शन है 80CCE, उसमें लिमिट है कि ओवरऑल तुमको 1,50,000 से ज्यादा का बेनिफिट नहीं मिलेगा तीन चीजों को मिला के, 80C 80CCC एंड 80CCD 1 SEC कॉन्ट्रीब्यूशन। सर पहले 80C की कैलकुलेशन कर लो, वहां भी लिमिट आपने देखी 150 की, फिर 80CCC की कैलकुलेशन कर लो, वहां भी लिमिट देखी 150 की, अब 80CCD 1 की ऊपर में एक लिमिट देखी 20% ऑफ GTI की। आप 80CCD 1 में अभी ऊपर कितना ले सकते हो नौकरी नहीं कर रहे हो तो? मैक्सिमम 20% ऑफ GTI, ठीक।
अब सबको एग्रीगेट करना पड़ेगा और उस पर एग्रीगेट को भी रोकना पड़ेगा 150,000 में बिकॉज ऑफ सेक्शन ट्रिपल सी डबल सी ई। इसके अलावा तुम 1B ले सकते हो, कितने का? 50,000 का। इसके अलावा तुम 2 का बेनिफिट ले सकते हो, कौन सा? बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसको हम आगे सीखेंगे। सर इन दोनों पे 80CCE वाली लिमिट काम नहीं करती है। सर ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक क्लास में कहीं भी इस चीज का डिस्कशन नहीं हुआ है। इतनी सारी क्लासेस हो गई आपकी अराउंड 60 के आसपास इस बैच में, अभी तक कहीं डिस्कशन नहीं हुआ है। सर 80CCE एक मास्टर लिमिट देता है 150 का, जिसमें 3 सेक्शन की कवरेज है, लेकिन उस तीसरे सेक्शन के अंदर कुछ सब सेक्शन के बेनिफिट्स हैं जो उस 150 के अंदर नहीं आते हैं, अलग से मिलते हैं, अलग से मिलते हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? एडिशनल डिडक्शन। एडिशनल डिडक्शन अलग से मिलता है, इसीलिए यहां पर मैं देखो क्या बोल रहा हूं, एडिशनल डिडक्शन। और इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, तुम जो कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे उसमें से पहले 50,000 यही ले लेना। क्यों? क्योंकि इस 50,000 रुपए पे 80CCE वाली लिमिट जो है वो काम नहीं करती है, तो पहले इसको सिक्योर्ड कर लो, बैलेंस को ले जाओ सीसीडी 1 में, ताकि वो 1CCC और सी मिलके जितना भी हो फिर रोक देना उसको 150 में। सर हम प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी देंगे टू 80CCD 1B ओवर 80CCD 1 टू गेट मैक्सिमम डिडक्शन, हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक, अब इस प्रायोरिटी को समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। पहले लिख लो सर, ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो तुम एग्जाम में कभी भी तुमको दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसी चीज एक बार नहीं बताऊंगा, अभी 3 बार बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ अभी एक एग्जाम्पल में आया हूं, सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर आगे जाऊंगा तुम एम्प्लॉयड हो, नौकरी कर रहे हो लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, फिर एक और एग्जाम्पल करूंगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फिर जो सैलरी में पढ़ाया है 750,000 वाला कॉन्सेप्ट, सैलरी में जो पढ़ाया है कि एम्प्लॉयर का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड में उसको पहले टैक्सेबल करेंगे, वो सब आपको यहां पे रिकॉल रिवाइज करवाऊंगा, डोंट वरी। इसको लिखो प्लीज, इसके ऊपर की चीज एक बार अच्छे से लिख लो। यहां से एक लाइन ऐसे जा रही है नीचे, देखो ध्यान से, ब्लू ग्रीन एक लाइन जा रही है, ऊपर की बात थोड़ा अच्छे से लिख लो। ये साइड में एक बात लिख के दी थी कि भाई टीयर 2 अकाउंट का कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है तो 80C में बेनिफिट ले लेना, और वहां बेनिफिट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। ठीक, 80CCD में अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो उसके कारण 1 और 1B मिलेगा, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो उसके कारण 2 का बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल पेंशन फंड तीनों सेक्शन में है, ट्रिपल सी में भी है, सी में भी है, सीसीडी में भी है, पहचानेंगे कैसे? तो म्यूचुअल फंड यूटीआई वाला हो तो सी में चले जाना, एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी वाला हो तो CCC में चले आना, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड हो तो 80CCD में आना, बट टीयर 1। सर टीयर 1 अकाउंट ही 80CCD में आएगा, टीयर 2 रहा तो फिर से वापस आपको 80C में जाना होगा। वीडियो रोक के लिखा, अब इसको लिखिए जो मैं अब इसी पर, कि अगर आप एम्प्लॉय नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है,
तो कैसे कैसे बेनिफिट लेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है हम यहां पर 80CCD2 की बात नहीं करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड है, टीयर टू अकाउंट में पैसा जा रहा है, एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, टीयर वन में जा रहा है। सर क्वेश्चन में टीयर वन टीयर टू कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो फिर आप एटीसीसीडी में आइए ना, क्या दिक्कत है। जब तक क्वेश्चन में टीयर टू मेंशन नहीं होगा एटीसी में मत जाना, टीयर टू मेंशन होते ही एटीसी में चले जाना। डन, वीडियो रोक के लिखा। क्या कहा, जो भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड है कंट्रीब्यूशन देंगे टीसीसीडी में, उसमें से 50,000 अलग कर देंगे, 1B में बेनिफिट ले लेंगे और बैलेंस को लेके आ जाएंगे इसमें, बैलेंस को लेके आ जाएंगे किसमें, 1 में। फिर उसको कंपेयर करेंगे 20% ऑफ जीटीआई से और जो लोअर होगा उसका बेनिफिट लेंगे। फिर आगे देखेंगे प्रेजेंटेशन में सीसीई की लिमिट कैसे रोकते हैं, मैं सिखाऊंगा अभी, डोंट वरी। सर क्या ये पूरा अमाउंट डिडक्शन के लिए मिल जाएगा हमें? नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है। 80CCD1 की कैलकुलेशन करने के बाद उसको सी में और ट्रिपल सी में जोड़ेंगे, फिर उस टोटल को रोकेंगे 150 पे। ये तो ये सिखा रहा हूं कि तुम 80CCD1 का बेनिफिट कैसे निकालोगे, ये मिलेगा कि नहीं वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में 80C कितना है, 80CCC कितना है, क्योंकि तीनों के टोटल को 150 पे रोकना होगा। तो उसकी प्रेजेंटेशन सीखेंगे अभी। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर ये एडिशनल डिडक्शन 50,000 जिसपे 80CCC की लिमिट नहीं एप्लीकेबल है, उसका राज क्या है? तो ये राज है क्या कि सर हमें जो लिमिट रोकना है 80CCE 1,50,000 की, उसमें तीनों सेक्शन तो कवर है लेकिन सीसीडी के अंदर 3 बेनिफिट है। उसका जो बेनिफिट नंबर 2 है, सब सेक्शन 2 या 1B, एम्प्लॉयर के कारण जो बेनिफिट मिलता है, खुद का एसईसी का एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो उसमें कवर नहीं होता है। इसीलिए साइड में क्या लिखा, प्रायोरिटी हम 1B को देंगे ओवर 1, ठीक, टू गेट मैक्सिमम डिडक्शन। क्यों सर? क्योंकि सीसीई की लिमिट 1B पे एप्लीकेबल नहीं होती, वो हमें एक्स्ट्रा 50,000 का बेनिफिट मिलता है। ये एक्स्ट्रा 50,000, ये जो मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 और उसके बाद, उनके थ्रू हुआ है ये कॉन्सेप्ट। सर अच्छा है, देखो 80C की अगर गवर्नमेंट, देखो लॉजिक है यहां पे, मुझे लगता है अगर यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस वाली गवर्नमेंट रहती कंटिन्यू 2013 और उसके बाद अभी तक, तो 80C की आराम से लिमिट बढ़ गई होती 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख। गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर था लिमिट को बढ़ाओ, 80C की लिमिट बढ़ा देते। अगर मान लो गवर्नमेंट 80C की लिमिट 1,50,000 से बढ़ा के 2 लाख कर देती, तो 80C में तो वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, आप ट्यूशन फी को भी क्लेम कर लेते, 80C में बच्चों की पढ़ाई का पैसे का भी डिडक्शन ले लेते, आपका हाउस लोन चल रहा है आप वहां पर प्रिंसिपल रीपेमेंट का बेनिफिट ले लेते, जाके म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते, जाके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा लगा देते। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लिमिट भी बढ़ाई और पैसा कहां खींच लिया आपसे, आपसे पैसा खींच लिया सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड में, जहां पर फ्यूचर में पैसा मिलने का चांस ज्यादा है ग्रोथ लेके और रिस्क कम है। सर पैसा आपसे निकला है 50,000, अगर 80C की लिमिट बढ़ाते तो पता नहीं आप उस 50,000 को कहां कहां लगा देते, क्योंकि 80C में 20-25 इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आपको 80C का बेनिफिट मिलता है। हो सकता है वो पैसा कल को जाके डूब जाता, अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाया कि 80C की लिमिट को बढ़ाऊंगा तो फिर मुझे 80CCE की लिमिट को भी बढ़ाना पड़ेगा, फिर 80C में पता नहीं वो इन्वेस्टर पैसा कौन से फंड में लेके जाएगा। चलो ऐसा करते हैं 50,000 देते भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड में पैसा मंगवा लेते हैं 1B के नाम पे। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट ने एक फंड को प्रमोट करने की कोशिश की है जिसका नाम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम 80CCD सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड, ताकि गुडविल बनी रहे सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट फंड में तुम पैसा डाल रहे हो इसीलिए तुमको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, तो ये गुडविल अटैच कर लिया गवर्नमेंट ने कि देखो हमने आपको 50,000 का बेनिफिट दिया है,
सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड को गवर्नमेंट हमेशा प्रमोट करती है। तुम ये बात सैलरी की क्लास में भी देख चुके हो। सैलरी की क्लास में अगर आपको याद हो तो क्या पढ़े थे कि अप्रूव्ड सुपर इन्वेशन फंड से पैसा अगर ट्रांसफर करोगे ईटीसीसीडी वाले फंड में तो फुल्ली एग्जम्प्ट है। जाओ नोट्स में देखना सैलरी के लेक्चर में। सैलरी के लेक्चर में आपने क्या पढ़ा, अप्रूव्ड सुपर इन्वेशन फंड को बंद करके उसका सारा पैसा तुम ट्रांसफर कर लो किसमें, न्यू पेंशन स्कीम ईटीसीसीडी में, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। मैंने क्या बोला, यह फंड पहले किसके लिए आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। फिर किसके लिए ओपन हुआ, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। फिर सर आप प्राइवेट में एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के नॉन गवर्नमेंट, तो भी आ जाइए। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आ जाइए। लाखों करोड़ों रुपए हैं अभी, जब इंटरनेट पे तुम जाओगे इस फंड के बारे में पढ़ने के लिए, न्यू पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड। इंडिया में 7-8 एंटिटी है, सिर्फ 7-8 एंटिटी है जो इस फंड को चला रहे हैं। अरबों खरबों रुपया का बैलेंस है इनके पास, मतलब 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ इस तरीके का एसेट क्रिएटेड है। 7-8 एंटिटीज हैं जो इस फंड के लिए अप्रूव्ड की हुई हैं, वो लोग इस फंड को चला रहे हैं। और न्यूज़पेपर में कभी कभी आर्टिकल आते हैं इस फंड के बारे में। लाखों करोड़ों 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 रुपए के फंड इनके पास आ रखे हैं, इतना पैसा इकट्ठा हो रखा है, और जो कि फ्यूचर में उसी पर्सन को मिलेगा जिस पर्सन के नाम से अकाउंट चल रहा है। एक तरह का ये रिटायरमेंट प्लान है। आप अभी पैसा क्यों जमा कर रहे हैं, टैक्स बेनिफिट लेने के लिए, और बाद में गवर्नमेंट आपको उसी फंड से पैसा देगी फ्यूचर में एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। तो फंड बहुत सॉलिड वे में ग्रो कर रहा है, इस फंड का जो ग्रोथ है वो बहुत सॉलिड वे में है ग्रोथ, और फंड के पास बहुत रुपए हैं, बहुत रुपए हैं। मतलब गवर्नमेंट ने हमेशा इस फंड को प्रमोट किया है, ठीक, और प्रमोट करने के चक्कर में इसमें काफी सारे ऑप्शन खोल दिए। एक 50,000 का और बेनिफिट डाल दिया जिसमें 80cc की लिमिट नहीं लगेगी। आगे बताऊंगा, एक जगह परसेंटेज भी 10 के जगह 14 कर दिया है। नॉर्मली अभी क्या मैंने बोला, तुम नौकरी करते हो तो 10% ऑफ सैलरी, नौकरी नहीं करते हो तो 20% ऑफ जीटीआई ऊपर। एक जगह 10 को 14 कर दिया नौकरी करने वाले लोगों के लिए। तो मोटा मोटी फ्यूचर में तुमको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे इस फंड में, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। डन, वीडियो रोक के लिखा। अब ये प्रायोरिटी जो है 50,000 को 1B में लेके जाओ पहले, उसको समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू, उसको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्यों हम 1B को प्रायोरिटी देंगे। हम 1 से पहले पैसा 1B के बारे में सोचेंगे, क्यों। 80cc के अंदर 2 बेनिफिट्स है, 1 और 1B, और ऊपर पढ़े प्रायोरिटी किसको देना है, 1B को देना है, क्यों, वो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपका क्लियर होगा। एक बार वीडियो रोक के इसको लिख लीजिए। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, कहता है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 4 लाख रुपए, राइट, ग्रॉस टोटल इनकम दिया हुआ है 4 लाख रुपए, और अब आपके पास एक 80C का बेनिफिट भी है, कितने रुपए का, 1,20,000 रुपए का, क्योंकि आपने NFC परचेज किया है। ग्रॉस टोटल इनकम 4 लाख रुपए की, 80C का ऑलरेडी आपके पास एक बेनिफिट है 1,20,000 रुपए का, क्योंकि आपने NFC परचेज किया है। तो अब आप देखो 80C में आप ऑलरेडी 1,20,000 का बेनिफिट ले रहे हो, और CCE कहता है कि आपको टोटल 150 का बेनिफिट मिलेगा, यानी 1,50,000 का। तो फिर अब हम देखें तो हमारे पास CCD1 के लिए कितना बचा, 30,000 ही तो बचा है। समझ गए सर, अभी जो मैंने आपको बोला कि 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1 ये मिला के आपका डिडक्शन 1,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी आपका NFC परचेज का 1:20 का बेनिफिट है, तो अब आपके पास मात्र 30,000 रुपीज का ही स्कोप बच गया है, कहां, 80CCD1 में बेनिफिट लेने के लिए स्कोप 30,000 का ही बच गया है। क्यों, क्योंकि 80CCE की लिमिट कितने की है, 1,50,000 की, जबकि तुम्हारा GTI कितना है, 4 लाख, और इसका 20% कितना होता है, 80,000 रुपीज। तो अगर हम 80CCD1 की लिमिट में जाएं, दो दो लिमिट है सर,
80CCD1 क्या कहता है, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड और 20% ऑफ जीटीआई विच एवर इज लोअर, उसके हिसाब से तुमको 80,000 रुपीज का बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन लेके क्या करोगे 80,000, आप 30,000 रुपए से अधिक का बेनिफिट तो ले ही नहीं सकते। वाई? बिकॉज ऑफ 80CCE। सर अगर इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में 80C नहीं होता, मान लीजिए आपके पास 80C का कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक, तब हम बड़े आराम से 80,000 रुपीज तक का बेनिफिट 80CCD1 में ले सकते थे, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड और 20% ऑफ GTI विच एवर इज लोअर। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, दो दो लिमिट कैसे काम कर रही है? सर एक लिमिट 80CCD1 की जो कहता है आपको मैक्सिमम 20% ऑफ GTI का बेनिफिट मिलेगा, ठीक, तो आपका इस क्वेश्चन में GTI कितना है, 4 लाख, इसके हिसाब से मैक्सिमम आपको 80,000 का ही बेनिफिट मिलना चाहिए। बट अगर 80,000 मिल भी गया तो क्या आप ओवरऑल 80 का बेनिफिट ले लेंगे? नहीं, आपको उस 80 को भी रोकना पड़ेगा, कितने पे, 30,000 पे। यानी आप एक बार, जैसे जैसे आप देखो है ना, मान लो आपने NSC परचेज किया, हम लोग क्या करते हैं, मान लो आपने NSC परचेज किया 70,000 रुपए का और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 1 लाख रुपए का, तो इसको टोटल करते हैं 170 पे और फिर इसको रोक देते हैं कितने पे, 150 पे। क्यों? क्योंकि 80C की लिमिट 150 है ना, रोकते हैं। ऐसे ही 80CCD1 की लिमिट 80 की है जिसको आपको फाइनली हमें रोकना पड़ेगा कितने पे, 80 प्लस 120, 2 लाख, 2 लाख को रोकना पड़ेगा 150 पे। तो मोटा मोटी आपको यहां एक्स्ट्रा 30,000 का ही तो बेनिफिट मिला। अब आपके पास सवाल में, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि तुमने NPS में अमाउंट कंट्रीब्यूटेड किया है कितना, 70,000 रुपए। अब मान लो तुम इस 70,000 का पूरा बेनिफिट 80CCD1 में लेना चाहते हो क्योंकि वहां लिमिट 80,000 रुपीज की है, से तुम 1B में नहीं जाना चाहते हो जहां पर आपको एक्स्ट्रा 50,000 का बेनिफिट मिलता है। बोला सर हमने NPS में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया, 70,000 रुपए, अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड और 20% ऑफ GTI, तो मुझे तो 70,000 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है CCD1 में। लेकिन क्या एक्चुअली में 70,000 मिल रहा है तुम्हें बेनिफिट? नहीं मिल रहा है। कैसे? तो देखो 80C 1,20,000 प्लस 80CCD1 70,000, ये हो जाएगा कितना, 1,90,000। तो आपको इसको रोकना पड़ेगा 1,50 में, यानी आपका 40,000 वेस्ट चला गया, 40,000 वेस्ट चला गया। तो अब इस वेस्टेज को रोकने के लिए आप क्या करोगे, तो आप 70,000 को दो हिस्सों में बांटोगे, इधर 30,000 लेके जाओगे, इधर 40,000 लेके जाओगे। तो अब आपको पूरे 70,000 का बेनिफिट मिलेगा। कैसे कैसे? सर यहां पर मेरे पास स्कोप 30,000 रुपए का ही था बेनिफिट लेने का CCD1 के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 80C 1:20 है, तो मैं एक्स्ट्रा जो 70,000 का कंट्रीब्यूशन है 30 इधर रोक देता हूं, एक्स्ट्रा 40,000 को कहां ले जाता हूं, 1B में, 1B का बेनिफिट तो एक्स्ट्रा है, 1B का बेनिफिट एक्स्ट्रा है। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अमाउंट कंट्रीब्यूशन को आप स्प्लिट करोगे, आप 1B में ज्यादा से ज्यादा ले जाने की कोशिश करोगे। तो उसके लिए मैंने एग्जाम के लिए क्या किया है, ये एक शॉर्टकट हमेशा ध्यान रखना, क्या तुम सबसे पहले 1B में ही 50,000 एलोकेट कर देना, फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद तुम बैलेंस इधर लेके आना। सर तुम्हारा देखो ये जो 1 है ये गलत है, 2 और 3 दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर ओके। तुम एग्जाम में, इस क्वेश्चन में खासकर, इसी क्वेश्चन में एग्जाम में तुम दोनों कर सकते हो, पॉइंट नंबर 2 जैसा ट्रीटमेंट भी, पॉइंट नंबर 3 जैसा ट्रीटमेंट भी, कि सर मैं 30,000 को CCD1 में ले जाता हूं, बैलेंस 40,000 को 1B में, या फिर ऐसा करते हैं सर पहले 1B को ही 50,000 दे देते हैं, बैलेंस 20,000 रुपए को हम 1 में ले आते हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो फिर 80C में कितना मिल जाएगा, 1:20, 80CCD1 में कितना मिल जाएगा, 20, कोई बात नहीं, आपको 80CCD1B में और मिल रहा है ना 50, तो सर ऑप्शन 2 में रहो, 3 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 तो गलत ही है क्योंकि इसमें 40,000 आपका वेस्ट हो रहा है, आप ऑप्शन 2 में जाओगे
तो भी आपको बेनिफिट कितने का मिलेगा, 1 20 प्लस 30 1 50 1 50 प्लस 40 1 90। और आप ऑप्शन थ्री में जाओगे तब भी 1 90 आ रहा है, 1 20 प्लस 20 प्लस 50 50 40 30 20, फर्क क्या है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। तो मैं एग्जाम में ना ये कंफ्यूजन ना हो कि हम कैसे बंटवारा करें अमाउंट का, तो मैं हमेशा आपको कहता हूं क्लास में, बच्चों को कहता हूं कि ऐसा करो, तुम 50,000 रुपए पहले एलोकेट कर दो किसको, 1B को, और बैलेंस को ले जाओ किसमें, 1 में। यहां पर वही लिखा है मैंने, प्रायोरिटी 1B को दे दो 1 के ओवर, जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट हो रहा है फटाफट 50,000 साइड कर दो 1B में और बैलेंस को ले जाओ 1 में। इससे वो ये चक्कर खत्म हो जाएगा 30 सोचने का और 40 सोचने का। सर आपको भी पता है कि पूरा जो कंट्रीब्यूशन है 70,000 सीसीडी 1 के अंदर ले जाना बेवकूफी है, ले गए तो वहां मेरा 40,000 वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल लिमिट तो 1,50 की ही है। तो जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन होगा, जब क्वेश्चन तुम देखोगे ना सॉल्व करते समय, तो तुमको अपने आप पता चलेगा कि अरे ऑलरेडी एटीसी में 1:20 का बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं सीसीडी 1 में 30,000 से ज्यादा ले ही नहीं पाऊंगा। तो अगर अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड मेरा 40-70,000 है तो इसमें से 30 ही ले जाऊंगा 1 में, बैलेंस 40 को कहां ट्रांसफर कर दूंगा, 1B में, क्योंकि 1B एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये थोड़ी सी एनालिसिस तुमको एग्जाम में करनी पड़ेगी। तो वही मैंने यहां पर आपके लिए एक कंक्लूजन लिखा है, क्या एग्जाम में अमाउंट जो भी तुम कंट्रीब्यूट करोगे एसएससी या एम्प्लॉई एनपीएस में, उसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना, 1B को, और वहां 50,000 रुपए एलोकेट कर देना। बैलेंस सेकेंड प्रायोरिटी बोल के 80 सीसीडी 1 में चला जाएगा। अब वहां पे क्या है, लोअर ऑफ द टू, वहां पे फॉर्मूला क्या है, लोअर ऑफ द टू। तो वहां पर जो आप अमाउंट कंट्रीब्यूटेड लिखोगे उसमें 50,000 माइनस कर देना। क्यों माइनस किए 50,000, क्योंकि 50,000 का ऑलरेडी बेनिफिट तुम ले चुके हो 1B में। बस बाकी फिर कंपेयर कर लेना, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 20% ऑफ GTI और नौकरी करते हो तो 10% ऑफ सैलरी। अभी हम लोग देखेंगे नौकरी करने वाला क्वेश्चन अलग करेंगे, तो ये तुमको ध्यान रखना है। सर पॉइंट नंबर 2 भी करके आ सकते हो एग्जाम में और पॉइंट नंबर 3 भी करके आ सकते हो। पॉइंट नंबर 2 भी सही है, पॉइंट नंबर 3 भी सही है, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। ऑप्शन 1 कि नहीं सर मैं पूरा 70,000 का बेनिफिट एटीसीसीडी 1 में ही लेता हूं ना, गलत हो जाएगा, आगे जाके तुम 1,50 का ही बेनिफिट ले पाओगे, 40,000 तुम्हारा वेस्ट चला जाएगा, तो ऐसा करने का क्या फायदा। तो यही प्रोसेस आपको 80 सीसीडी में थोड़ा स्मार्ट बनाएगा, ठीक। कभी कभार आप किताब में पॉइंट नंबर 2 जैसा आंसर देखोगे, मान लो कोई बुक आप रेफर कर रहे हो, कोई इंस्टीट्यूट का आंसर रेफर कर रहे हो ऐसा वाला, तो ये समझो कि ये एक ऑल्टरनेट आंसर है और दोनों में से कोई भी लिख के आ सकते हो, एनी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 बोथ आर करेक्ट, क्योंकि तुम दोनों ही केस में 1,90 1,90 का बेनिफिट ले रहे हो। तुम देख लो, चाहे तुम 30-40 का अमाउंट ले जाओ या 20 और 50 का अमाउंट ले जाओ, तुमने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया 70 पूरा जा रहा है 30-40 20-50 और तुमको बेनिफिट भी मिल रहा है उतना ही उतना, कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा, ठीक। और एग्जाम में सर ध्यान नहीं रहा ये सब करना, तो उसका एक ही लॉजिक है, सबसे पहले 50,000 असाइन कर दो किसको, 80 सीसीडी 1B को, और बैलेंस ले जाओ 1 में। अपने आप हमेशा हर केस में आंसर तुम्हारा ऑप्टिमम आएगा, सही आएगा, ठीक है। ये काम आप जरूर करना, और एग्जाम में सब सेक्शन मेंशन कर दे कि कौन सा अमाउंट तुम किधर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तब तो बात ही क्या है, होता नहीं है ऐसे। आपको क्वेश्चन करते समय खुद डिसाइड करना पड़ता है कि हम कितने अमाउंट को किधर लेके जाए, वो मैंने आपको यहां एक्सप्लेन कर दिया, ऑलरेडी आपका फॉर्मेट यहां चल रहा था। यहां पर मैंने आपको फॉर्मेट में समझाया कि 50,000 यहां कम कर देना, क्योंकि 50,000 तुम कहां ले गए हो, 80 सीसीडी 1B में। देखो ये सब आप लिख लिए थे शायद, ये लिख ही चुके थे वीडियो रोक के, है ना, टीयर 1 टीयर 2 के बारे में और तीनों फंड के बारे में, एटीसी ट्रिपल सी सीसीडी, ये आपका एग्जांपल था, ये भी लिख चुके थे, डन। क्वेश्चन में टीयर 1 टीयर 2 मेंशन ना हो तो टीयर 1 मान के 80 सीसीडी करेंगे आप, है ना। और ये मैंने बताया
कि आपको सीसीई की जो लिमिट है वो 1B और 2 पे अप्लीकेबल नहीं होती, इसलिए 1B को पहले प्रायोरिटी देंगे। और वही चीज मैंने इस एग्जांपल के थ्रू, ये लिख चुके थे आप वीडियो रोक के, है ना, और इसी चीज के लिए मैंने ये एग्जांपल आपको दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लीजिए इसको, एट्टी सी में ऑलरेडी 1B20 का बेनिफिट मिल रहा है, तो 80CCD1 में मेरा स्कोप कितना बचता है, 30,000 का, तो मैं क्या करूंगा, 40,000 को 1B में ले जाऊंगा, एक ऑप्शन ये भी है। और दूसरा तो है ही है कि सर 50 उधर ले जाओ, 20 इधर रख लो, डन, वीडियो रोक के लिखा, डन डन, ये भी वीडियो रोक के लिखा। सर अभी हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड वाले क्वेश्चन पे हैं, तो अभी हमारा फॉर्मेट क्या है, 20% ऑफ GTI का, आगे जब सैलरी वाला क्वेश्चन करेंगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, तो 10% वाले बात कर लेंगे, और वहां एक जगह 14% भी है। चलिए सर करें एक और एग्जांपल इसी पे, सेल्फ एम्प्लॉयड पे, तो ये हमारा एग्जांपल है सर। एग्जांपल क्या है, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल है, बिजनेसमैन, जिसकी बिजनेस इनकम कितनी है, 6 लाख रुपीज, पीपीएफ का इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है कितना, 25,000, एफडी का इंटरेस्ट नेट ऑफ टीडीएस है कितना, 90,000, उसके अलावा करंट ईयर में इसने कुछ परचेजेस, कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ इन्वेस्टमेंट की है, यूलिप में 20,000 रुपीज की, पीपीएफ में 70,000 रुपीज की, एंड एनपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड में 1,30,000 रुपए की। आपको कंप्यूट करना है टैक्सेबल इनकम, एजम्पशन है एग्जाम में कि आप शिफ्ट आउट कर रखे हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजिम 115BAC से। सर अगर आप 115BAC में रहोगे, अगर आप 115BAC में रहोगे, सर आप 115BAC के अकॉर्डिंग टैक्स देना चाहते हो, तब तो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। क्यों सर, इसमें 80C नहीं मिलता, 80CCC भी नहीं मिलता, 80CCD1 भी नहीं मिलता, और 80CCD1B भी नहीं मिलता। सर कुछ ही सेक्शन के बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें से एक बेनिफिट 80CCD2 का मिलता है, ये आपने क्लास में पढ़ा हुआ है। सर दो चार ही सेक्शन का बेनिफिट मिलता है 80C से लेकर 80U में, कब, जब आप 115BAC के अकॉर्डिंग टैक्स देते हो, जिसमें हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं, 80CCD2 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण जो डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा, बाकी CCCC, CCD1, CCD1B एक्स्ट्रा 50,000, ये कोई भी बेनिफिट 115BAC वालों को नहीं मिलता है। तो एक रिवीजन हो गया आपका, बाकी आप आज क्लास के बाद 115BAC रिवाइज कर लेना, बहुत बार रिवाइज कर चुके हो क्लास में, एक बार लिंक कर लेना। 115BAC में कुछ डिडक्शन को छोड़ के कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता, जैसे 80G नहीं मिलता, 80D नहीं मिलता, 80U नहीं मिलता, 80EEE EEA EEB नहीं मिलता। हाँ, अग्निवीर वाला जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसका डिडक्शन मिलता है, ये अमेंडमेंट है। जैसे 80CCD2 मिलता है, वैसे ही 80CCH2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के कारण जो डिडक्शन है अग्निवीर कॉर्पस फंड में वो मिलेगा, है ना। और एक आपने पढ़ा हो तो 80JJA का बेनिफिट मिलता है 115BAC वालों को, और एक सेक्शन और है 80LA का, IFSC के यूनिट्स का बेनिफिट मिलना। तो मोटा मोटी जो कॉमन बेनिफिट्स हैं, 80C, CCCD1, CCD1B ये सब नहीं मिलते हैं, तो एक तरह से रिमाइंडर है, एक तरह से इंपॉर्टेंट बोल के नोटिंग कर लो। अब हम लोग इस एग्जांपल में क्या सीखेंगे, देखो बहुत कुछ आपको मालूम है, बहुत कुछ आपको मालूम है। फॉर एग्जांपल हम इस बिजनेस इनकम को टैक्सेबल करेंगे, पीपीएफ इंटरेस्ट जो क्रेडिट हुआ है उसको एग्जम्प्ट करेंगे, और एफडी का इंटरेस्ट जो नेट ऑफ टीडीएस है उसको ग्रॉस करके टैक्सेबल करेंगे, और टीडीएस का रेट एफडी इंटरेस्ट पे कितना बता रखा है, 10%, तो ग्रॉस इनकम कितनी आएगी, 1,00,000। आपका इस क्वेश्चन में जीटीआई कितना आएगा, 7,00,000, ठीक। अब जीटीआई 7,00,000 आ गया, ये दोनों चला जाएगा 80C में, ये दोनों चला गया 80C में 90,000। अब हमारे पास स्कोप कितना है, 60,000 का, लेकिन वो सब चक्कर छोड़ो, तुम इस 1,30,000 को, स्कोप छोड़ो,
तुम इस 31 को दो हिस्सों में बांट दो, 50 को ले जाओ किसके अंदर, 80 CCD 1B के अंदर, और इधर कितना जाएगा, 80 चला जाएगा 80 CCD 1 में। लेकिन हम वहां पर एक और लिमिट लगाते हैं ना, 20% ऑफ GTI। तो सर 20% ऑफ GTI तो बहुत ज्यादा है, 1,40,000 है, 7 लाख का GTI है, 20% ऑफ GTI 1,40,000 है, तो क्या करें, पूरे 1,30,000 को ले जाएं 80 CCD 1 में, कोई फायदा है नहीं सर। आप हमें समझा चुके, हम समझ चुके क्या, इसमें से 50,000 पहले साइड कर दो 1B में। लॉजिक, अगर कोई पूछे क्या लॉजिक है जी 50,000 अलग करने का, तो तुमको क्या बोलना है, सर CCE में 1B का जो अमाउंट है 50,000 वो कवर नहीं है, अलग से मिलता है, और ऑलरेडी तुम्हारा 80C 90,000 रुपए खा चुका है, यहां पे तुम्हारे पास 80 CCD 1 में स्कोप कहां है 60,000 से ज्यादा क्लेम करने का। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास यहां पर 80 CCD 1 में तुम मैक्सिमम 60,000 रुपए से ज्यादा का क्लेम कर ही नहीं पाओगे, और वैसे भी मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, कितना ले जाने, 80 बच रहा है तुम्हारे पास, तुम इनफैक्ट 80 का भी बेनिफिट नहीं ले पाओगे, अभी देखेंगे ना प्रेजेंटेशन। मोटा मोटी कैसे भी इस क्वेश्चन को बनाओ, तुमको टोटल 2 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा, और तुम्हारी टोटल इनकम इस क्वेश्चन में कितनी आनी चाहिए, 5 लाख रुपए आनी चाहिए। अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, सर समझ तो गए कि मेरी पीएफ इंटरेस्ट की इनकम एग्जम्प्ट है, टीडीएस कटाया तो इनकम को ग्रॉस करके जीटीआई पे पहुंचेंगे 7 लाख, वो प्रेजेंटेशन भी क्लियर है सर, बहुत बार क्लास में बता रखा है। अब जो ये आप ये सब बता रहे हैं ना, एटीसी में ले जाओ, फिर आप ना एनपीएस के अमाउंट को 2 जगह स्प्लिट कर दो, फिर उसका टोटल करके उसको 1,50 पे रोको, सीसीई की लिमिट लगाओ, सर ये प्रेजेंटेशन सिखा दो, तो बस इसीलिए तो क्लास में है, इसीलिए तो आप इस क्लास में है भाई, प्रेजेंटेशन ही तो सीखना है। लिखिए इसको, समझा भी दिया इसको एग्जांपल को, अब तो सीधा आंसर देखना है कि इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 80C में जाता है, और पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 80C में जाता है। पीपीएफ का इंटरेस्ट शायद आपको क्लास में बताया हुआ है, ये एग्जम्प्ट होता है 10-11 में, ये सैलरी की क्लास में भी आपसे बात हो रखी है, और आपसे आईओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्लास में भी बात हो रखी है, और नेट ऑफ टीडीएस में आपको बता रखा है टीडीएस रेट सेक्शन 194A एफडी इंटरेस्ट पे, और नेट ऑफ टीडीएस से ग्रॉस इनकम निकालने का फॉर्मूला भी आपको बता रखा है क्लास में। डन, वीडियो रोक के लिखा बच्चों ने इसको, बढ़े आगे। सर मोटा मोटी जो आपसे बातें की कि भाई तुम अब 115 बीएससी में तो हो नहीं, शिफ्ट आउट कर चुके हो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम 115 बीएससी से, मतलब तुम नॉर्मल प्रोविजंस को फॉलो करके इनकम निकालोगे, इनकम ही तो निकालनी है, टैक्स तो निकालना है नहीं, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन इनकम की आ रही है आपके सामने। जो मैंने बोला कि आप एग्जम्प्ट कर दो पीपीएफ इंटरेस्ट को और एफडी इंटरेस्ट को ग्रॉस कर दो, तो आपका जीटीआई कितना आ जाएगा, 7 लाख, तो वो आपके सामने है, नोट कर लो। डन, वीडियो रोक के नोट किया, नेक्स्ट। अब इसमें प्रेजेंटेशन जो मैंने कहा ये देख लो किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे इसमें। सर क्या लिखना सिखा रखा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, उसके बाद आप सबसे पहले 80C लोगे इनर कॉलम में, उसका टोटल 90 पे पहुंच गए। अब 80 CCD 1 कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस का जब प्रेजेंटेशन दोगे लोअर ऑफ, तो आप यहां से 50,000 रुपया हटा देना, कितना आ गया 80, और 20% ऑफ GTI कितना 1,40, इस दोनों में लोअर 80 और ऊपर 90 का टोटल 170 को रोक देना 150 में बिकॉज ऑफ सेक्शन 80 CCE। एग्रीगेट डिडक्शन 80C एंड CCD 1 का मिला के कितना हो रहा है 170, लेकिन 170 को हम रोक देंगे कितने पे 150 में। बोला सर 20,000 वेस्ट हो गया, सर कोई बात नहीं, आप उस 20,000 का बेनिफिट नहीं ले सकते हो, अब वेस्ट ही है एक तरह से तुमको इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था, 20,000 कम भी करते तो चलता, बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है इन्वेस्टमेंट किया तो फ्यूचर में तुम्हारे काम ही आएगा, जरूरी थोड़ी है सारी इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले ही लेना।
भाई 80C एक 50 तक ले सकते थे तो 90 ओके। बोला सर आपको तो यहां 60 पे रोक देना चाहिए था ना, स्कोप 90 प्लस 60 एक 50, 60 पे वो अपने आप ही रुक गया है, जब मैंने 170 को 150 किया तो वो अपने आप 60 पे रुक गया है। तुमको समझदारी क्या दिखानी है, तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है उसमें से तुम 50,000 यहां साइड कर देना, 130 के जगह यहां पर 180 ले जाना, वो प्रेजेंटेशन मैंने दे दी है और लॉजिक भी है और उसकी वर्किंग नोट। सर 50 आपने क्यों माइनस किया, तो उसका वर्किंग नोट मैंने इस क्वेश्चन में दे रखा है। 50 माइनस करके कहां ले गए, 80CCD 1B में। क्यों ले गए, तो उसका नोट यहां पर मैंने बताया है कि 1B में 50,000 को हम पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे ओवर 80CCD 1। क्यों, क्योंकि CCE की लिमिट 1B पर एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए 130 के कंट्रीब्यूशन में से 50 ले गए 1B में, तो बैलेंस 80,000 कहां ले गए 1 में, और 1 में 80,000 का बेनिफिट मिला, लेकिन 80 और प्लस ऊपर का 90 मिलके जब 170 हुआ तो उसको 150 पे रोकना पड़ा। और इस क्वेश्चन को आप किसी दूसरे तरीके से नहीं बना सकते जिसमें आपको 2,00,000 से ज्यादा का बेनिफिट मिल जाए, कोई और तरीका है ही नहीं। सर मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाना चाहता हूं, बना लो, लेकिन तुम्हारा आंसर 5,00,000 से कम आएगा ही नहीं, 5,00,000 से ज्यादा भले आ जाए 5,00,000 से कम नहीं आएगा, ठीक है। तो यही एक तरीका है जिसमें मैंने क्या बोला, सबसे पहले 50,000 को साइड कर दो नीचे के लिए। बोला सर 1B को पहले ही दिखा देते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना, 80C के बाद 80CCD 1 ही आएगा ताकि हम CCE की लिमिट लगा सकें, और उसके बाद तुम 1B की प्रेजेंटेशन देना ताकि 50,000 ये अलग से दिखे कि हाँ तुमने अलग से बेनिफिट लिया है। प्रेजेंटेशन ऐसे ही रखना, जो फ्लो है उसको ऐसे ही रखना, ठीक है। चलिए ये एग्जाम्पल कंप्लीट, ये क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब मोटा मोटी अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं और आपने NPS में कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो कैसे कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, मोटा मोटी अब क्लियर है। कैसे कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, किस अमाउंट को किस सब सेक्शन में लेके जाएंगे, मैसेज मत कर देना क्या कि सर ये सब सेक्शन याद करना है क्या, 80CCD 1, 1B, 2, हाँ जी याद करना है। क्या 80C में कोई सब सेक्शन मैंने दिया तुमको, नहीं। 80CCC में कोई सब सेक्शन दिया, नहीं। कभी कभार तो मैं क्लास में खुद ही बोल देता हूं DTO या GST सब सेक्शन को इग्नोर करो, लेकिन तुमको क्या लगता है 80CCD के अंदर सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 1B को इग्नोर करके तुम एग्जाम में लिख पाओगे क्या, तो इग्नोर नहीं करना, उल्टा ध्यान करके जाना। और जब से 80CCD शुरू हुआ है डिस्कशन, तब से मैं तीनों सब सेक्शन का बार बार रेफरेंस ले रहा हूं, 1, 2, 1B, 1, 2, 1B, बिना सेक्शन याद किए बिना सब सेक्शन में आए यहां तो काम नहीं चलेगा। बोला सर आगे और कहीं सब सेक्शन है क्या, ना, सेक्शन याद कर लो वही बहुत है। अभी आगे इस चैप्टर में एक जगह वही तुमको तो पढ़ा दिया ऑलरेडी अग्निवीर का, वहां भी CCH जो आपका है 1 और 2 उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अग्निवीर में 80CCH 1 और 80CCH 2 ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों, 80CCH 2 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का आपको डिडक्शन 115BAC में भी मिलता है, तो इसलिए वहां भी 1 और 2 ध्यान रखना पड़ेगा, जो ऑलरेडी क्लास में मैं तुमको सैलरी में करवा चुका हूं, ठीक। चलिए इसको नोट कीजिए, यहां कुछ लिखना है क्या, देख लो, डन। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन। सर मोटा मोटी सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो पॉइंट है ना वो हमारा हो गया। अब अगर इस नोट्स में जाएं तो हमारा कि ये 80CCD डिस्कस कर रहे हैं, ये नेशनल पेंशन स्कीम है या कभी कभी एग्जाम में अटल पेंशन योजना के नाम से आ जाता है, इंडिविजुअल एम्प्लॉयड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, या नेचर ऑफ पेमेंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है NPS में, ये बात हो गई। और अब ये वाला पॉइंट हम लोग कर लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के केस में कॉन्ट्रीब्यूशन मेड
और 20% ऑफ जीटीआई विच एवर इज लेस एटीसीसीडी वन। ये पॉइंट आपके साथ हो गया डिस्कस, और ये वाला पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस हो गया। अब हम किस में चलेंगे, जब आप एम्प्लॉयमेंट नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी कर रहे हैं उसमें कौन सा केस करेंगे, अभी सबसे पहले नॉन गवर्नमेंट वाला। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो क्या होगा, क्यों सर, क्यों आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अलग से क्यों डिस्कस करना चाहते हो, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में एक जगह 10% के जगह 14% का ऑप्शन है, 14% इन केस ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सर मैंने क्या बोला था, अगर नौकरी कर रहे हैं तो 20% ऑफ जीटीआई के जगह क्या है 10% ऑफ सैलरी एम्प्लॉय के लिए भी और 10% ऑफ सैलरी एम्प्लॉयर के लिए भी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर 10 का 14 हो जाता है एक जगह, वो भी दो जगह नहीं एक जगह सिर्फ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन में। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाना होगा, इसलिए मैंने बोला एक एग्जाम्पल करूंगा जब आप एम्प्लॉय है नॉन गवर्नमेंट वाले, और एक करूंगा एम्प्लॉय है गवर्नमेंट वाले, ताकि ये 10 और 14 का मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिखा सकूं। ठीक है, पहले ब्रेक ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। आप एम्प्लॉय है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फिर से हम लोग यही हिसाब किताब लगाएंगे, और 10% का जो ये कॉन्सेप्ट है सैलरी का, 10% ऑफ सैलरी का, इसकी प्रेजेंटेशन, इसकी लिमिट, ये सब सीखेंगे। और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहले इसको टैक्स करते हैं सैलरी एड में, वो सारी बातें जो पहले पढ़ रखी है सैलरी चैप्टर में उसको रिकॉल करेंगे। ब्रेक ले लो फटाफट। चलिए सर, आई होप आप बच्चों ने ब्रेक ले लिया। सर सेल्फ एम्प्लॉयड का डिस्कशन कर चुके थे, अब अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो क्या होगा, एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन जाएगा और इसमें एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन जाएगा। और सर सबसे पहले एम्प्लॉयर का जब कंट्रीब्यूशन जाता है तो उसको हम लोग फुल्ली टैक्सेबल करते हैं सैलरी में, तो ये बात यहां पर लिखी हुई है, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं क्या लिखा हुआ है, द इंटायर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वुड बी इंक्लूडेड इन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। और ये बात आप सैलरी चैप्टर में भी पढ़े हो। एम्प्लॉयर का देखो, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जब आरपीएफ में जाता है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जब आरपीएफ में जाता है, एएसएफ में जाता है, या फिर आपका एसपीएफ में जाता है, तो उसका कोई डिडक्शन नहीं है एटीसी से लेकर एटीयू में। सिर्फ दो जगह डिडक्शन है, एक अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें आए एनपीएस में, और दूसरा अग्निवीर वाले में जाए। सिर्फ दो जगह एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन है, लेकिन उसके लिए एक नियम है, क्या, सबसे पहले आप एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन को सैलरी हेड में फुल्ली टैक्सेबल करो। ये तो है ही है सर, ये बात कहां लिखी हुई है 17(1) में, जो सैलरी का डेफिनेशन पढ़ते हैं सैलरी चैप्टर के अंदर 17(1), उसमें ये बात लिखी है। और उसी के अंदर अग्निवीर के बारे में भी लिखा हुआ है कि अग्निवीर का जो कॉर्पस फंड है, अगर उसमें एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन गया तो वो पूरा सैलरी में टैक्सेबल होगा। वहां अमेंडमेंट है, सैलरी चैप्टर में आपके साथ बात हो गई है सर। प्लस एक चीज आपको और बताई हुई है, एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन में एक सेक्शन और लग जाता है 17(2)(7), अगर तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन 7,50,000 से अधिक है। याद आ रहा होगा आपको, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन तीन फंड में एग्रीगेट, किसमें किसमें सर, किसमें किसमें, आरपीएफ में प्लस अप्रूव्ड सुपरनेशन फंड में प्लस एनपीएस में। तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा, अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन एनपीएस में जा रहा है तो आप आरपीएफ में देखो कितना जा रहा है, एएसएफ में देखो कितना जा रहा है। अगर तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन 7,50,000 से एक्स्ट्रा हो गया तो एक्सेस अमाउंट को टैक्स करना होगा परक्यूजिट्स बोल के, वहां पर डिफरेंस को टैक्स करते हैं। मान लो 10,00,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन गया है तो 2,50,000 को टैक्स करेंगे, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट को भी टैक्स करेंगे, रूल 3B सेक्शन 17(2)(7)A। काफी सारा टाइम आपको सैलरी चैप्टर में दे रखा है इन सब से रिलेटेड, और वो सभी वीडियो यूट्यूब पे भी है, सेम डिस्कशन सेम क्लास। तो सर दो दो चीजों को देखना होगा, एक तो आंख बंद करके तुम एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को पूरा सैलरी में टैक्सेबल कर देना,
और एक 7,50,000 वाली लिमिट भी चेक कर लेना। हो गया सर, ये हो गया सैलरी का डिस्कशन। अब आ जाओ जीटीआई के बाद डिडक्शन। तो सर जीटीआई के बाद जो डिडक्शन लेंगे तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन अलग मिलेगा और एम्प्लॉई का भी अलग से मिलेगा, यानी दोनों के लिए दो डिडक्शन मिलेंगे। किसको? एम्प्लॉई को। सर एम्प्लॉई के हैंड्स में, सैलरी हेड में पहले टैक्सेबल कर देना, कर दिए। अब फंड के अंदर दो दो कॉन्ट्रीब्यूशन गया, एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉई का, तो एम्प्लॉई का भी डिडक्शन देना और एम्प्लॉयर का भी देना। और वही सेम एम्प्लॉई वाला जो डिडक्शन है उसके दो हिस्से कर देना, एक तुम वन बी में ले जाना 50,000 और बैलेंस को तुम वन में ले आना। ये जो है ना कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉई, इसमें से तुम 50,000 ले जाना वन बी में और बैलेंस यहां ले आना, टोटल माइनस 50,000 टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। आपको समझा चुका हूं कॉन्सेप्ट क्यों ऐसा करते हैं। एक्ट में नहीं लिखा है बट ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बेनिफिट कम मिलेगा। तो आप 50,000 पहले एलोकेट कर देना किसको? एटीसीसीडी 1B को। उसके बाद बैलेंस को ले आना 1 के अंदर और इसको अब 20% ऑफ जीटीआई से नहीं, 10% ऑफ सैलरी से कंपेयर करके विच एवर इज लोअर लेना है। जहां पर आप अभी 20% ऑफ जीटीआई कर रहे थे सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में, वहां पर अब क्या हो जाएगा? 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी क्या लेंगे सर? सैलरी में तो कभी आप कमीशन भी जोड़ देते हो, कभी डीए फुल लेते हो, कभी डीए रिटायरमेंट वाला लेते हो, आपने जैसा सैलरी चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो यहां पर सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए का वो हिस्सा जो रिटायरमेंट के लिए हो। वो बात पॉइंट नंबर 5 में लिखी हुई है, प्लीज यहां कमीशन वगैरह सब नहीं लेंगे, सिर्फ दो आइटम लेंगे सैलरी में, बेसिक। क्या लेंगे? बेसिक और डीए का वो हिस्सा जो रिटायरमेंट के लिए अवेलेबल हो। DA the portion which is available for retirement forming part of pay। ऐसा काफी सारा डिस्कशन सैलरी चैप्टर में आप लोग कर चुके हैं मेरे साथ, ठीक। और सर सेम डिडक्शन, सेम जो लिमिट है एम्प्लॉयर के लिए भी मिलेगी। कैसे कैसे सर? कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। बट अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है तो यहां पर 14% हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई के लिए, यानी 4% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं सेंट्रल या स्टेट। ये जो 4% एक्स्ट्रा है ये 2 में है, सिर्फ 2 में, 1 में नहीं है सर। 1 में 10% है फॉर ऑल एम्प्लॉई, चाहे आप गवर्नमेंट वाले हो या नॉन गवर्नमेंट हो। एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन जो जाएगा 50,000 ले जाना 1B में, बैलेंस को 10% ऑफ सैलरी से ही कंपेयर करना, वो 14 मत करना। लेकिन जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन आपने ऊपर फुल्ली टैक्सेबल कर दिया सैलरी के अंदर, नीचे उसे नॉर्मली 10% तक का तो डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा, 14% भी मिल सकता है। यानी गवर्नमेंट यहां क्या कह रही है मालूम है? एक तरह से गवर्नमेंट बोल रही है स्टेट और सेंट्रल दोनों कि हम आपके लिए 4% एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। नॉर्मल एम्प्लॉई के केस में 10% का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जनरली एम्प्लॉयर की तरफ से। सर प्रैक्टिकल लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कितना करता है? जितने का आपको डिडक्शन मिल जाए। जैसा सैलरी में हम लोग पढ़े, क्या आरपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी तक एग्जम्प्ट होता है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में एम्प्लॉयर उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है जितना एग्जम्प्ट होता है, ठीक। यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? डिडक्शन मिलेगा कितना? 10% का। तो एम्प्लॉयर उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करेगा जितना यहां डिडक्शन मिल जाए। डिडक्शन कितना मिलेगा जी? सर 10% ऑफ सैलरी। तो एम्प्लॉयर उतना ही प्रैक्टिकल लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एग्जाम में तो ज्यादा होगा तब तो टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे। एग्जाम में 10 की जगह 15 होगा, 15 की जगह 20 होगा, अमाउंट दिया हुआ होगा। लेकिन ये जो 10 को 14 किया, इसमें गवर्नमेंट ने क्या फेवर किया? गवर्नमेंट एम्प्लॉई का। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने एम्प्लॉई को क्या फेवर दिया कि हम आपके लिए आपके सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड में 4% एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, 10 की जगह 14% करेंगे और पूरा का पूरा 14% आपको नीचे डिडक्शन भी मिल जाएगा एटीसीसीडी 2 में। ये प्रैक्टिकल लाइफ में हुआ, ठीक। यानी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन की, जितना ऊपर एड होगा सारा का सारा नीचे क्या होगा? डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन हाँ, लिमिट के अंदर रहोगे तब आप 10% या 14% के लिमिट के अंदर रहो। आप 7,50,000 की जो लिमिट है उसके अंदर रहो तो तुम्हारे को इनकम टैक्स में कोई डबल टैक्सेबिलिटी, डबल टैक्सेशन सर टैक्स लग गया ऐसा नहीं होगा।
सर यहां तो टैक्स लग गया चौथे नंबर पॉइंट में, नहीं चौथे नंबर पॉइंट में क्या बोला, पहले सैलरी में टैक्स करो किसको, एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन को, तो अब चौथे पॉइंट को तुम इस बी से कनेक्ट करो। सर अगर हमने एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को टैक्स किया है तो उसका डिडक्शन भी तो दे रहे हैं नीचे 80CCD 2 में, और नॉर्मली 10, गवर्नमेंट के केस में 14, तो गवर्नमेंट को 4% एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फंड में, इस फंड में एनपीएस में, और वो टैक्सेबल भी नहीं होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो इसमें वोट पॉलिटिक्स भी काफी हुआ था, गवर्नमेंट ने इसको मार्केटिंग भी किया कि देखिए हम इतना रुपया आपका एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके फंड में आपके फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर में आपको टैक्स फ्री मिलेगा और अभी आपको इस पर कोई टैक्स भी नहीं देना है। ठीक है, देखो पॉलिटिकली मोटिवेटेड अमेंडमेंट हो या अदरवाइज हो, नीड के हिसाब से पढ़ना आपको पड़ेगा ही। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो 20% ऑफ जीटीआई का डिडक्शन ले लो, नौकरी कर रहे हैं तो दो दो बार डिडक्शन लो, 10% एम्प्लॉई का, 10% एम्प्लॉयर का, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉयर वाला 2 वाला 10 को क्या कर दो, 14 कर दो। सैलरी दोनों में ही 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी या फिर 14% ऑफ सैलरी में। सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक प्लस डीए का वो हिस्सा जो रिटायरमेंट के लिए हो, और गलती से एग्जाम में 10 लाख वाली फिगर हो तो फिर 17-7 भी लगाना मत भूलना वहां पर, और एक अमाउंट टैक्सेबल करना 7,50,000 से ऊपर का अमाउंट। तो आपका पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, पॉइंट नंबर 2 क्लियर है, पॉइंट नंबर 3 का ए का ए भी अब क्लियर है, बी भी क्लियर है, चौथा नंबर पॉइंट भी क्लियर है आपका, अब ये पांचवा नंबर पॉइंट भी क्लियर है आपका, अब ये छठा नंबर पॉइंट भी क्लियर है, यानी 1 से लेकर 6 तक सारा पॉइंट आपके साथ डिस्कस हो गया। अब क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें कुछ लिखना है क्या, डन, वीडियो रोक के लिखा। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अब क्वेश्चन करने के बाद वापस आएंगे इन 3-4 पॉइंट को कवर करने के लिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं जो भी आपने अभी पढ़ा। सर बहुत इजी एग्जांपल है, बहुत इजी एग्जांपल है, क्या कहता है सेक्शन 80CCD में, आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आपका एम्प्लॉयर कौन है, ए लिमिटेड, यानी ना तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल एम्प्लॉई है जहां पर आपकी बेसिक सैलरी कितनी है 30,000 रुपीज पर मंथ, आपका डियरनेस अलाउंस कितना है 20,000 रुपीज पर मंथ, पूरा टैक्सेबल होगा 20,000 × 12 = 240, इसमें से 50% रिटायरमेंट के लिए है जो कि हमें 10% ऑफ सैलरी निकालने में हेल्प करेगा। क्या हम अब 20% ऑफ जीटीआई देखेंगे, नहीं सर, अब तो आप नौकरी कर रहे हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है, अब 20% ऑफ जीटीआई नहीं, अब हम 10% ऑफ सैलरी देखेंगे, और दोनों के लिए 10% देखेंगे 80CCD 1 के लिए एंड 80CCD 2 के लिए। सर आपको बोनस भी मिल रहा है 5,000 रुपए पर मंथ, और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है फंड में कितना 20% ऑफ बेसिक सैलरी। देखो कॉन्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन में अमाउंट भी दे सकता है, सर आपने तो बोला था सैलरी 10% लेते हैं, अरे वो डिडक्शन लेंगे ना, कॉन्ट्रीब्यूशन तो कुछ भी जा सकता है। सर आपने तो बोला था बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट वाला लेंगे, यहां तो ओनली बेसिक है, अरे होने दो ना, ये तो कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट है, हम डिडक्शन लेते समय अपना फॉर्मूला लगाएंगे 10% ऑफ सैलरी वेयर सैलरी इज बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट वाला। सर इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, एम्प्लॉई का भी है, उसके अलावा एम्प्लॉई ने एनएससी खरीदी है 80C वाली, उसके अलावा एलआईसी फंड में पैसा भी गया है 80CCC वाला, मजा आएगा, क्यों, क्योंकि अब हमें लिमिट भी देखनी होगी किसकी 80C + 80CCC + 80CCD 1 पर एक लिमिट लग जाएगी कितने की 150 की, कौन से सेक्शन के कारण, सीसीई के कारण, तो यहां CCD 1 हमारा यहां जाके हिट करेगा इसमें ओवरऑल डिडक्शन में। तो आपको क्या करना होगा, जो एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें से हमें प्रायोरिटी बेसिस पर 50,000 कहां भेज देना होगा 80, हम इसमें से क्या करेंगे पहले 50,000 किसको दे देंगे 1B को, और बैलेंस को कहां लेके आएंगे CCD 1 की कैलकुलेशन में कंपेयर करेंगे 10% ऑफ सैलरी से। मोटा मोटी आइडिया यही है, क्वेश्चन कहता है कंप्यूट टोटल इनकम, और तुम अब ऑप्ट आउट कर चुके हो किससे, सेक्शन 115 BAC, यानी तुम नॉर्मल स्कीम में हो।
115 बीएसई से बाहर निकल गए हो, मतलब हर तरह का डिडक्शन मिलेगा। इस क्वेश्चन में एक तो सैलरी का कैलकुलेशन करते हुए जीटीए पे पहुंचेंगे, तो सैलरी का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, प्लस अब जीटीए के बाद 80C, CCC, CCD1, फिर उसको 150,000 पे रोकना, फिर अलग से 50,000 का बेनिफिट लेना 1B में, फिर अलग से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट लेना मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी तक। मजा आएगा। और सर मैंने क्या बोला, अगर एम्प्लॉयर भी वही कंट्रीब्यूट करे जिसका डिडक्शन मिलना है, तब ऊपर जितना ऐड होगा नीचे उतना डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, जो नेचुरली मुझे लगता है 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा होगा। क्यों सर, डीए मात्र आरडीए वाला कितना है, मात्र 10,000। सर बेसिक सैलरी का 20% कंट्रीब्यूट हो रहा है, और अपने को डिडक्शन कितना मिलेगा, बेसिक सैलरी प्लस 10,000 डीए का इंटू 12 का 10%, तो मोटा मोटी एम्प्लॉयर ज्यादा ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कोई नहीं, पहले सैलरी में टैक्स करेंगे पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन, बाद में नीचे डिडक्शन ले लेंगे 80 CCD2। सर ये पहले ऐड करो बाद में डिडक्शन लो, ऐसा काम आप अग्निवीर वाले में कर चुके हैं सैलरी की क्लास में, जब 80 CCH का डिस्कशन कर रहे थे। बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 80 CCH वाला तो बड़ा इजी सा था, वहां पर क्यों इजी था, क्योंकि वहां 80 CCD1B 50,000 उधर ले जाओ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और वहां पर 80 CCE की ओवरऑल 150 की लिमिट का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अग्निवीर वाला जो आप कॉन्सेप्ट सीखे 80 CCH, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, कॉन्सेप्ट भी सिखाया, एग्जाम्पल भी कराया उसका, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, यूट्यूब पे भी उसकी वीडियो है। अब इसका कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं, क्वेश्चन तो दिमाग में बैठ चुका है कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्यार से, सैलरी हेड में टैक्सेबल करते हुए ग्रॉस सैलरी से जीटीआई पे पहुंचेंगे, और फिर नीचे डिडक्शन लेते हुए टोटल इनकम पर पहुंचेंगे। आइडिया मोटा मोटी आपको मिल चुका है कैसे कैसे जाएंगे, अब इसका फॉर्मेट प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। आप वीडियो रोक के रफ में कुछ अपनी वर्किंग करना चाहते हो तो कर लो, आप अपनी वर्किंग करना चाहते हो रफ में, एक दो वर्किंग आप कर लो। क्या सर ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, सर जीटीआई कितना होगा, सर 80 CCD1 में क्या क्या लेके जाएंगे और कितना बेनिफिट मिलेगा, 80 CCD2 में क्या क्या अमाउंट जाएगा और कितना बेनिफिट मिलेगा, ऐसी छोटी छोटी वर्किंग आप रफ में करना चाहते हो तो कर लो, पूरा फॉर्मेट प्रॉपर वे में तो मैं आपको बताऊंगा, आपको नोट करना है। वीडियो रोको, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को लिखो अच्छे से, अब जो समझाया है उसके हिसाब से रफली एक वर्किंग करके खुद देखो ना, ग्रॉस सैलरी कितनी, जीटीआई कितना, CCD1 कितना, CCD2 कितना। 10-15 मिनट यहां पर अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, हो सकता है आपकी सारी कैलकुलेशन मेरे से मैच कर जाए, कॉन्फिडेंस आप ही का बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस घट गया मतलब मैच नहीं किया तो कौन सा एग्जाम कल है, कोशिश तो की है ना, तो करो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक। फॉर्मेट में बताऊंगा ही, वीडियो रोको, इसको अच्छे से लिखो, डन। वीडियो रोक के लिखा आपने क्वेश्चन, आंसर के साथ रेडी है, मैं एज्यूम करूं कि आपने थोड़ी कोशिश की और ज्यादा कोई टफ टास्क नहीं दिया, रफली आपको अलग अलग अमाउंट के बारे में सोचना था, ठीक है, रफली देख लेते हैं आपका आंसर क्या आया है। सर नोट नहीं करना अभी, एक बार समझ लीजिए, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, सैलरी एक ही हेड है इसमें, सैलरी बेसिक सैलरी टैक्सेबल कर दी 30,000 × 12, उसके बाद उसमें डीए, सर डीए आपने 20 ले लिया, हाँ यहां तो फुली टैक्सेबल करेंगे ना, जो डिडक्शन लेंगे वहां लेंगे डीए रिटायरमेंट वाला, डीए जितना भी होता है पर मंथ पूरा टैक्सेबल होता है, ये बात सैलरी की क्लास में आपके साथ क्लियर है, बोनस टैक्सेबल कर दिए, और क्या टैक्स करना है, इंपॉर्टेंट, अक्सर इसको टैक्स करना बच्चे भूल जाते हैं, एम्प्लॉयर का जितना भी कंट्रीब्यूशन जाएगा फंड में, तो बेसिक सैलरी का 20% हम उसको 17(1) में टैक्स कर रहे हैं। सर 17(2)(7) कब लगता है,
जब आप 7,50,000 की लिमिट क्रॉस करेंगे, वो तो हुई नहीं है, मात्र 72,000 रुपीज का है, तो वो 17-7 में तो जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, यहां पर आप अमाउंट को टैक्स कर चुके हैं। अब टैक्स किए तो क्या आ गया, ग्रॉस सैलरी 50,000 तो साथ में बेनिफिट देते ही देते हैं हम लोग। देने के बाद कहां आ गए, इनकम फ्रॉम सैलरी, और वही आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आपने 80C ले लिया, आपने 80CCC ले लिया। अब मत सोचो कि इसका टोटल कितना है, मुझे स्कोप कितना मिलेगा, ये सब मत सोचो। तुमको उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला दे दिया है, तुमको अब ज्यादा सोचना ही नहीं है, तुमको इसमें से खाली 50,000 हटा देना है। तुमको एम्प्लॉई का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जब आप CCD1 का बेनिफिट दे रहे होगे लोअर ऑफ द टू, अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड में 50,000 कम कर देना है तुमको। 10% ऑफ सैलरी से कंपेयर करते समय आपको 50,000 कम कर देना है, अपने आप बाकी सेट हो जाएगा। तुमको सोचना ही नहीं है कि यार 31 चला गया, अब 1,50 बचा है, 20,000 का स्कोप है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ नहीं सोचना है। जितना भी अमाउंट एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जा रहा है, कितना जा रहा है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी इसमें भी जा रहा है, उसमें से 50,000 साइड कर दो, बैलेंस 22,000 को तुम 10% ऑफ सैलरी से कंपेयर कर दो, और 10% ऑफ सैलरी, सैलरी में क्या लेते हैं, बेसिक प्लस DA रिटायरमेंट वाला, तो 50% हो गया 10%, तो आपका ये इन दोनों में लोअर कितना हुआ 22। तो अब 22 को जब ऊपर तुम ऐड करते हो तो वो कितना होता 1,52, तो उसको तुम रोक दो 1,50 पे। यही सिंपल प्रेजेंटेशन रखनी है, कुछ नहीं करना है। तुमको एक गुरु मंत्र दे दिया है कि जो भी SEC का एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है उसमें से 50,000 साइड कर दो, बाकी अब जो ये आंसर दे वो सही जाएगा। देख लो सही जा रहा है, 50,000 तुम साइड करके नीचे ले गए। और अब एक बार और बेनिफिट देना है आपको, किसका, सबसेक्शन 2 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का। इसमें क्या 14% ले लेंगे सर, नहीं, आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो यहां अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर पूरा आएगा 72, ऊपर देखो कितना आया था 22, क्यों, क्योंकि 50,000 साइड कर दिए थे, तो यहां पूरा 72 आएगा। बाकी मोटा मोटी जो ऊपर 10% ऑफ सैलरी है वही यहां भी आएगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा मिलेगा, ये 50,000 भी एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 1,50 में ये और जब ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 248, आंसर आ जाएगा 434, कंप्लीट। एक और क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला, तो मोटा मोटी यही मैंने आपको वर्किंग देखो तो कितनी प्यारी सी एक वर्किंग थी। तुमको क्या बोला था, रफ में बताओ 80CCD2 का कितना बेनिफिट मिलेगा, तो कुछ करना थोड़ी था तुमको, तो ये कैलकुलेशन करनी थी। सैलरी में क्या लेना था, सैलरी में बेसिक लेना था, DA का रिटायरमेंट वाला हिस्सा लेना था, इनटू 12 करना था, कोई रिटायरमेंट तो हुई नहीं है, और उसके बाद अब 10% करना था, तो अपने आप कितने पे आ जाते, 48 पे आ जाते आप। थोड़ा सा आपको क्या बोला था, वर्किंग करके एनालाइज करो, नहीं किए तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में कर लेना। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को सैलरी हेड में टैक्स करना मत भूलना, बस ये ध्यान रखना है। डन, वीडियो रोक के आंसर लिख लिया यहां तक। नेक्स्ट देखो, यहां कुछ लिखना है क्या, डन डन डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट डन नेक्स्ट। सर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, खाली 80CCD2 में 10% की जगह कितना मिलेगा 14%, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम रहेगी, वही 50,000 को साइड करना, 80CCD1 में 10% ही लेना, ठीक, ऊपर में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को पूरा टैक्सेबल करना, सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो आप ये वाला क्वेश्चन अब खुद से करो, ये वाला क्वेश्चन में मेरा आंसर नहीं देखना आपको, वीडियो रोको और आप खुद करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस 50,000 रुपीज पर मंथ, जिसका 40% रिटायरमेंट के लिए अवेलेबल है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 2,00,000, एम्प्लॉई का भी कॉन्ट्रीब्यूशन 2,00,000,
इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड एनुअली, दो दो लाख रुपए जा रहा है। बट एक और कंट्रीब्यूशन है एलआईसी पेंशन फंड 40,000 का, किसका, एम्प्लॉई का, खुद का कंट्रीब्यूशन। आपको टोटल इनकम कंप्यूट करना है, एम्प्लॉई 115 बीएसी से बाहर आ चुका है। अब खुद दिमाग लगाओ तुम कौन कौन से सेक्शन का बेनिफिट लोगे इसमें। 1,50,000 की जो सीसीई की लिमिट है उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, फॉर्मेट क्या रहेगा। प्लीज मेरा आंसर मत देखना, आगे वीडियो मत बढ़ाओ, अभी जो क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया ये वाला, इसी फॉर्मेट पे ले जाओ क्वेश्चन को। सिर्फ और सिर्फ एक जगह जाके चेंज होगा, सबसे लास्ट में इस 10% की जगह कितना हो जाएगा, 14% हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और कोई चीज चेंज नहीं होगी। बड़े प्यार से आप कर सकते हो तो करो। प्लीज वीडियो को यहां 10 से 15 मिनट रोक दो और इस क्वेश्चन को खुद विथ फॉर्मेट अटेम्प्ट करो, पूरा विथ फॉर्मेट, जहां भी करना चाहते हो आप, रफ पेज में करो, रफ पेज में करो, आप रजिस्टर में करो, रजिस्टर में करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आंसर जरूर नोट करना, बाकी एक बार तुम अपना दिमाग लगा लो प्रेजेंटेशन में। वीडियो रोको, बनाओ। बना लो प्लीज, आंसर का वेट मत करो कि वीडियो चलने दे रहे हो और आंसर देखोगे, ना ना, प्लीज एक बार यहां दिमाग लगा लो। अपने से बनाओगे जो स्टेप्स हैं और जो वर्किंग है इनर कॉलम आउटर कॉलम की, वो क्लियर हो जाएगी। बनाओ। चलिए सर, आई होप आप बच्चों ने इस एग्जांपल को थोड़ा ट्राई किया होगा बनाने का। ठीक सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप, आपका बेसिक सैलरी मिल रहा है, कोई ज्वाइनिंग डेट नहीं दे रखी, कोई रिटायरमेंट नहीं डेट नहीं दे रखी, तो क्या करते हैं, इनटू 12, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या नहीं है, सैलरी में पर मंथ है, इनटू 12 करेंगे। सर डीएनएस अलाउंस 40% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पे, यानी 20,000 रुपीज हमें वो 10% ऑफ सैलरी, 14% ऑफ सैलरी निकालने में काम आएगा, बाकी जो आप ग्रॉस सैलरी और जीटीआई की ट्रीटमेंट करेंगे उसमें पूरा जाएगा 50,000 रुपीज पर मंथ, डन। अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 2,00,000 रुपए, तो इसको सबसे पहले सैलरी में टैक्स करेंगे, बाद में हम इसको एटीसी सीडी 2 में डिडक्शन लेंगे 14% ऑफ सैलरी और 2,00,000 विच एवर इज लोअर। सर एम्प्लॉई का इक्वल कंट्रीब्यूशन 2,00,000 का, इसमें से 50,000 को सीसीडी 1B में ले जाओ और 1,50,000 को सीसीडी 1 में ले आओ 10% ऑफ सैलरी से कंपेयर करने के लिए, और ये कहां जाएगा, 80CCC में। अपने आप आपका आंसर मैच होता चला जाएगा, देख लेते हैं आपने क्या बनाया और वो बनाया कि नहीं जो यहां मेंशन है, सही गलत थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। सर बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी आपकी यहां पर 1,00,000 रुपीज पर मंथ है तो 12,00,000, उसके बाद डीएनएस अलाउंस 50,000 रुपीज पर मंथ है तो वो आ गया, बोनस इसमें है नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में था। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को 17(1) में फुल्ली टैक्सेबल करते हैं, 7,50,000 वाली लिमिट क्रॉस की नहीं है, ग्रॉस सैलरी आ गई। उसके बाद आप 50,000 का जो नॉर्मल डिडक्शन लेते हैं वो ले लीजिए, वही आपका क्या हो गया, जीटीआई, कोई और इनकम तो है नहीं, और इनकम भी हो सकती है, हो सकती है, यहां नहीं है। अब CCC ले लिया, अब CCC में सीधा जोड़ दिया किसको, सीसीडी 1 को, और वो जोड़ के आ रहा है 184, तो उसको रोक दिया कितने पे, 150 पे, कौन से सेक्शन में, 80CCE में, अंदर वर्किंग है। आपने 2,00,000 कंट्रीब्यूट किया था तो 2,00,000 में से 50,000 असाइन हो गया 1B को, तो यहां कितना बचा, 1,50,000, और आपका 10% ऑफ सैलरी कैसे निकला, तो बेसिक प्लस डीए का रिटायरमेंट वाला हिस्सा इंटू 12 महीने और उसका 10%, यहां 14 नहीं करना है, आपके साथ बात हो गई है ये। ठीक, अब थोड़ा आगे जाएंगे, 1B का आप बेनिफिट ले लो 50,000 का, थोड़ा और आगे जाओ, जब आप सीसीडी 2 में एम्प्लॉयर का बेनिफिट ले रहे होंगे तो फिर आपको यहां पर 14% करना है, यहां पे 14% करना है। और बेस्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन में, जितना आपको कंट्रीब्यूशन दिया था एम्प्लॉयर ने वो सारा का सारा टैक्सेबल हो गया ऊपर, वो सारा का सारा यहां डिडक्शन भी मिल रहा है, क्यों, क्योंकि 14% ऑफ सैलरी उस अमाउंट से ज्यादा है। बस आ गया आपका टोटल इनकम कंप्लीट, लिख लीजिए इसको। सर
ये वर्किंग थोड़ी आपको 10% की जगह क्या देखने को मिली, 14%। कभी कभार हम लोग सब सेक्शन का रेफरेंस लिखना भूल जाते हैं, वन है या टू है, तो ये लैंग्वेज काम आती है, डिडक्शन इन रिलेशन टू एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। लैंग्वेज पे जरूर कमांड रखना है। सर आप बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन लिख के अमाउंट लिख देते हैं, एटीसी 1,50,000। नहीं भाई, एटीसी के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट है वो तो लिखो। सर 80CCC सेक्शन लिखने के बाद आपको वो नेचर ऑफ पेमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन भी तो लिखना है। 80CCD1 सीधा लिख के और आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, वर्किंग भी नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, लिखो ना, आदत डालो, डिडक्शन इन रिलेशन टू एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस। सेक्शन कोट करेंगे, हो सकता है एग्जाम में सेक्शन भूल जाओ, सब सेक्शन भूल जाओ, तो ये जो लिख रहे हैं वो काम आता है। सेक्शन लिख दो, कोट कर दो, तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है आपके लिए। सर 1B को क्या मैं कहता हूं, एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन, डिडक्शन इन रिलेशन टू द एंट्री एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय टू एनपीएस। तो ये थोड़ा लिखने की आपको आदत डेवलप करनी है, इन सब बातों को इग्नोर मत कर देना। प्लीज मेरे सॉल्यूशन को जरूर लिखिए, आपने जो बनाया आंसर मैच भले कर दिया हो, लेकिन एक लिखने की प्रेजेंटेशन, वर्किंग साथ साथ दिखाना है ना, सेक्शन को कोट करना, यहां डिडक्शन लेते समय देखो अलाइनमेंट सीधा जा रहा है। आप बच्चे की कभी कभार कॉपी देखता हूं तो ऐसे टेढ़ा जा रहा होता है, मतलब थोड़ा आप राइट साइड को इंक्लाइंड होते रहते हो। बेसिक सैलरी के नीचे डियरनेस अलाउंस थोड़ा राइट में लिख दिए, फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और राइट में लिख दिए, ग्रॉस सैलरी को यहां लिख दिए, जीटीआई को यहां जाके लिख दिए। ऐसे नहीं करना है, और कोशिश करना है शॉर्ट फॉर्म, जैसे जीटीआई लिखना वो सब नहीं लिखना है, जैसे ये भी नहीं लिखना है, इसके जगह का क्या लिखना है एग्जाम में, अंडर सेक्शन। आदत रखो, ये जो छोटे छोटे है ना, ये शॉर्ट फॉर्म्स, ये सब अवॉइड करने एग्जाम में। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। चलिए सर, अब एक छोटा सा और वो 7,50,000 वाली लिमिट डिस्कस कर देता हूं, जो सैलरी में डिस्कस की थी, ताकि आप भूलो ना। अब नए सेक्शन में चलेंगे हम लोग आगे। एक छोटा सा और डिस्कशन कि अगर क्वेश्चन में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा हो एनपीएस में 9,00,000 रुपीज का, तो क्या एक्स्ट्रा होगा? कुछ नहीं सर, आप सबसे पहले एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को फुल्ली टैक्सेबल करते 17(1) में, वो कर देना, और इससे रिलेटेड आप यहां पर 80CCD2 में डिडक्शन लेते हैं। डिडक्शन क्या सर? वही 10% ऑफ सैलरी, या फिर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है आप तो 14% ऑफ सैलरी CCD2 में। क्या पढ़ते हैं, एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा टैक्सेबल होगा, और फिर आपको 80CCD2 में डिडक्शन भी मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन और 10% विच एवर इज लोअर, या फिर 14%। बट ये अमाउंट 7,50,000 से अधिक है, तो एक्स्ट्रा क्या होगा? सर एक और सेक्शन आपके पास लग जाएगा परक्यूजिट्स का, 17(2)(7), जिसमें आप 1,50,000 टैक्सेबल करेंगे, और एक और सेक्शन लग जाएगा 17(2)(7A), जिसमें आप रूल 3B को फॉलो करके वो जो एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन है 1,50,000 का, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट को टैक्सेबल करेंगे। और ये सारी चीजें रूल 3B को कैसे अप्लाई करते हैं आप, फॉर्मूला, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, RPF, NPS, ASF, 7,50,000, ये सारी बातें आपके साथ सैलरी की क्लास में हो रखी है। मैं जस्ट कनेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, इसके अंदर अब डीप डिस्कशन में नहीं जा रहा, फिनिश कर रहा हूं मैं। अब जा रहा हूं आपके साथ 80D में, 80D मेडिकल सीरीज में, इसको लिख लीजिए। डन, वीडियो रोक के लिखा, सर थोड़ा नोट्स में आ जाते हैं आगे जाने से पहले, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको एक बार डिस्कस कर ले। क्या कहता है सर? सातवां नंबर पॉइंट, पहले तो बोलता है पेंशन से, इस पेंशन फंड से जो भी अमाउंट तुम रिसीव करोगे उसको तुमको फुल्ली टैक्सेबल करना पड़ेगा इन द ईयर ऑफ रिसीट। ठीक है, जो भी अमाउंट आप स्कीम से पैसा निकालोगे, यानी मैच्योरिटी के ईयर में टैक्सेबल होता है, लाइक 80CCC, है ना सर? 80CCC में भी यही था, पेंशन फंड से पैसा निकालोगे टैक्सेबल, इसमें भी यही है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है,
क्या कि अगर पैसा डेथ पे मिल रहा है, अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉमिनी ऑन द डेथ ऑफ एसेसी शैल नॉट बी टैक्सेबल। ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। और भी कोई एडवांटेज है? हाँ सर, कहता हाउएवर अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी विल नॉट बी टैक्सेबल। अगर तुमने जो फंड मैच्योर्ड हुआ, मान लो रिटायरमेंट की एज पे जाके फंड मैच्योर्ड हो गया, क्लोज हो गया, अब इसमें से मान लो 70-80 लाख रुपए मिल रहे हैं, अब अगर उस अमाउंट से तुम कोई एन्युटी प्लान परचेज कर लोगे, मतलब कोई एक और प्लान परचेज कर लोगे, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होगी टीसीसीडी से रिलेटेड, कि देखो टीसीसीडी में जो तुम्हारा अभी 30-40 साल का कॉन्ट्रीब्यूशन था, इससे तुमको 1 करोड़ मिल रहे हैं, अब इसमें तुम जो भी अब आगे एन्युटी प्लान परचेज करना चाहो कर लो। मान लो तुमने 80 लाख रुपए फंड से निकाले और 50 लाख का एन्युटी प्लान परचेज कर लिया, तो उस एन्युटी प्लान में जो पैसा गया है उस पर तुमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट अब फ्यूचर में जब भी उस एन्युटी प्लान से तुमको पैसा मिलेगा उसको टैक्स करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तब भी। सर, फंड से पैसा निकाले और एन्युटी प्लान परचेज कर लिए तो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन अब उस एन्युटी प्लान से फ्यूचर में जब पैसा मिलेगा तो उसको टैक्स करेंगे, डेथ पर पूरा एग्जम्पशन है। ठीक, अब गवर्नमेंट ने ये जो बात हुई टैक्सेबिलिटी की, तो उसमें एक रिलीफ दे दिया कि सुनो, हम कोई भी पेमेंट अगर एनपीएस से एसएससी को करेंगे ऑन द क्लोजर ऑफ अकाउंट और स्कीम, सर एटीसीसीडी की जो एनपीएस अकाउंट है इसको क्लोज करते समय जो भी टोटल अमाउंट निकलेगा, जैसे ऊपर पढ़े टैक्सेबल, तो नहीं नहीं हम 60% तक पैसे को क्या कर सकते हैं, एग्जम्प्ट कर सकते हैं, अगर डेथ की केस नहीं है तो भी, यानी 7 से 9 को कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। सर, अगर हम ये स्कीम बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, और जो भी पैसा इस एनपीएस अकाउंट से निकालेंगे उसमें से 60% पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी 40% पे टैक्स देना पड़ेगा, आप चाहो तो उस 40% का एन्युटी प्लान परचेज कर लो, और डेथ के केस में तो कोई टैक्सेबिलिटी है नहीं। बोला सर, क्लोज नहीं कर रहे अकाउंट, बीच में पैसे निकालना है इस फंड से, तो वो बेनिफिट सिर्फ एम्प्लॉई के लिए है, पार्शियल विथड्रॉल का। कहता है एनपीएस से अगर एम्प्लॉई ने पार्शियल विड्रॉल किया है अपना एनपीएस अकाउंट से, तो जो उसका खुद का हिस्सा था कॉन्ट्रीब्यूशन का, मेड बाय हिम, जो कॉन्ट्रीब्यूशन उसने कर रखा है इस फंड में, उस कॉन्ट्रीब्यूशन का, यानी अगर एम्प्लॉई है आप और फंड से पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं, मान लो 20 साल के बाद, तो 20 साल तक जो भी एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन गया था उसमें से टोटल में से 25% तक का अमाउंट आप निकाल सकते हो, वो एग्जम्प्ट रहेगा। मान लो अभी तक का तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें 10 लाख का है, तो 2.5 लाख रुपए निकाल लो। ठीक है, कहता है एनी पेमेंट फ्रॉम एनपीएस टू एम्प्लॉई ऑन पार्शियल विड्रॉल मेड आउट ऑफ हिज अकाउंट टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम, एम्प्लॉयर नहीं, मेड बाय हिम। तो एम्प्लॉई अपना जो एनपीएस अकाउंट है जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन गया, उससे वो पार्शियल विड्रॉल करना चाहता है एम्प्लॉई, तो मान लो अब तक उसने अपना हिस्सा 10 लाख का कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो 2.5 लाख रुपए तक का अमाउंट विड्रॉल कर सकता है, एग्जम्प्ट रहेगा। ये बेनिफिट सिर्फ एम्प्लॉई के लिए। फंड क्लोज कर रहे हो, स्कीम क्लोज कर रहे हो, अकाउंट क्लोज कर रहे हो, 60% तक टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। मैच्योरिटी पे पैसा पर मंथ जो पेंशन मिलता है उसको देखो, जो पर मंथ पेंशन मिलेगा, सर फंड चलाया, रिटायरमेंट का एज आ गया है, सर अब फंड से मुझे पर मंथ पेंशन मिलेगा, तो पर मंथ जो पेंशन है उसके लिए यहां पर कोई रिलीफ नहीं है। हाँ, एक रिलीफ और है डेथ के केस में। ठीक है, तो ठीक है, आपको ये छोटी छोटी बातें, देखो एटीसीसीडी का डिडक्शन लेने में तो ये बातें कहीं काम नहीं आ रही है, ये बातों से कुछ ना कुछ एग्जाम में एमसीक्यू टकरा सकता है। फंड क्लोज करने पर जो अमाउंट आया 1 करोड़, उसमें से 60% एग्जम्प्ट, 40% टैक्सेबल, वहां भी बच सकते हो अगर कोई एनविटी प्लान परचेज किए तो। सर कुछ नहीं किया, डेथ का केस है, पूरा एग्जम्प्ट है। और एम्प्लॉई के लिए पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी है, वो अपने हिस्से में से 25% तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है आपको इस पेज पे एमसीक्यू के लिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आपके बन ही रहे ना, अभी हमने जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए उसमें ये पॉइंट कहीं काम थोड़ी ना आए, ये तो मैच्योरिटी के टाइम क्या होगा अमाउंट का जो फंड के अंदर है उसके बारे में ये पॉइंट है। एटीसीसीडी फंड एक एज तक चलाओगे, जैसे 60 साल तक मुझे ये फंड चलाना है, तो 60 इयर्स के बाद जब इस फंड को क्लोज करोगे इससे जो पैसा निकलेगा उसका क्या होगा। ठीक है, तो मोटा मोटी जब हम फंड को क्लोज करेंगे तो लमसम पैसा मिलेगा,
तो उसमें से गवर्नमेंट बोलती है 60% एग्जम्प्ट। डेथ पर घर वालों को मिलेगा पूरा एग्जम्प्ट। एनविटी प्लान परचेज कर लिए टू दैट एक्सटेंट एग्जम्प्ट, ठीक है। और उसके बाद आप पार्सल विड्रॉल का ऑप्शन, अगर नौकरी करते हैं तो अपने हिस्से में से 25% तक का कर सकते हैं। सर ये वाला हिस्सा ऑलरेडी हो चुका है, वही 80CCE की लिमिट CCCC और CCD1 पे लगती है। इसमें 1B बाहर है और वो आपका जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी बाहर है। इस पर ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन करा दिया। सर अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ कॉर्पस फंड, 80CCH1 का डिडक्शन, 80CCH2 का डिडक्शन, ये सारी बातें आपके साथ हो चुकी हैं ऑलरेडी एज अ अमेंडमेंट बोल के। ये वीडियो यूट्यूब पे भी है और ये सारी बातें सैलरी की क्लास में आपके साथ हो गई थी और वहां मैंने बोला भी था कि ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा और यूट्यूब पे इसकी वीडियो अलग से है अमेंडमेंट बोल के, सारी बातें वहां हो रखी है। सर अब आते हैं पेज नंबर 9.10 में एक नई कैटेगरी। क्या बोला था, कौन सी कैटेगरी, हेल्थ वाली कैटेगरी, हेल्थ रिलेटेड। सर हेल्थ रिलेटेड डिडक्शन, हेल्थ रिलेटेड डिडक्शन चार हैं बेसिकली जो हमारे हेल्थ बीमारी एटसेट्रा से रिलेट्स करके हमें डिडक्शन देते हैं। एक 80D, दूसरा 80DD और 80DD से काफी मिलता जुलता 80U का डिडक्शन है, तो मैंने साथ साथ रखा है। 80U आपके सीरीज में सबसे आखिरी सेक्शन है, पढ़ाना यही है। और फिर एक और सेक्शन है 80DDB। एक एक करके हम सभी सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, एक एक करके हम सभी सेक्शन में जाएंगे। स्टार्ट किससे कर रहे हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D से, बैक टू बैक चार सेक्शन ये आपस में कनेक्टेड है। हेल्थ मेडिकल प्रॉब्लम, डिसेबिलिटी मेडिकल ट्रीटमेंट, स्पेसिफाइड डिजीज पॉलिसी, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, इन्हीं सब की बात अभी सब सेक्शन में होगी। देखते हैं आज जितना टाइम बचा है उसमें ये सारा कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता है।